चलो, तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है इकोनॉमिक सर्वे। पढ़ेंगे आज हम मध्य प्रदेश का, पिछली साल भी पढ़ा था, इस साल भी जो है उसी नजरिए से पढ़ेंगे जैसे पिछले साल देखा था। और ये ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से कम जो है वो 2 क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं। और एमपी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दोगे आप, चाहे वो व्यापम में कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, टेक्निकल एग्जाम हो, या एमपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला कोई भी एग्जाम, उसमें जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, अगर इकोनॉमिक्स में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन केवल ये सर्वे से कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं वो ये सर्वे कवर करने की कोशिश करता है। ये ध्यान रखना, मतलब जितनी भी चीजें होंगी वो इस सर्वे के अंदर जो है वो कवर हो जाती है पूरी। तो पिछली साल भी अगर आप आज की जो क्लास अटेंड करोगे उसके बाद अगर आप एमपीपीएससी का लास्ट ईयर का पेपर निकालोगे तो आपको 3 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे कि हाँ ये इससे रिलेट करके जो है वो पूछे। 2 तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे, सीधे ही आए हैं, एक रिलेट करके आया है। तो इस तरह से ये वाला टॉपिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स के अंदर। एक तरफ पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ लो या एक तरफ जो है वो सर्वे पढ़ लो, करंट अफेयर्स भी इकोनॉमिक्स का, एमपी का खासकर, और इंडिया का है तो फिर इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये जो है वो कवर आपका जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो ये बात इम्पोर्टेंट जो है वो है। अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो जो है वो आपको 2-3 चीजें बुनियादी रूप से, देखो हमेशा याद रखो, चीजें रटने से जो है वो एग्जाम में जो है वो नहीं बनी। अगर आपने अपने कंसेप्ट्स को जो है वो क्लियर करा तभी जाके आपसे चीजें जो है बनेंगी। और छोटी छोटी चीजों में जो है वो क्वेश्चन जो है वो छुपे हुए, छोटी छोटी चीजों के। तो वो छोटी चीजें कौन सी, अपन पहले ही पेज से छोटी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21-22 का है, ठीक है। दूसरा, आपको मालूम है कि इकोनॉमिक सर्वे ये जो पब्लिश हुआ है ये इन्होंने इनकी वेबसाइट पर मार्च फरवरी लिख रखा है, लेकिन ये पब्लिश कब हुआ है, 9 मार्च। तो चूंकि 9 मार्च को, और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च। डेफिनेटली इसमें कुछ आंकड़े जो है वो अनुमान होंगे अग्रिम, यानी सरकार का ये मानना होगा कि ये इस तरह का अनुमान जो है वो लगाया जाए, क्योंकि अनुमान पे ही टिका हुआ है ना। तो जहां जहां अनुमान हो उन अनुमानों को भी लगभग, लेकिन अनुमान कब का, 3 क्वार्टर के अनुमान में चौथा क्वार्टर बहुत ज्यादा कोई हाय तो वह बदलाव तो नहीं कर देगा। जैसे एक अर्थव्यवस्था में आप कभी भी जब बात करोगे तो एक साल को हम 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो शुरू के 3 क्वार्टर्स की जानकारी तो बहुत अच्छे से दे देते हैं, 9 महीने की, लेकिन चौथे क्वार्टर की जानकारी वो नहीं दे पाते उतने अच्छे से, क्योंकि उनके पास जो है वो लगभग दिसंबर जनवरी तक के ही आंकड़े जो है वो आ पाते हैं, और उसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पब्लिश हो जाते हैं मार्च में, चूंकि फरवरी लास्ट में पब्लिश ही हो जाते हैं। तो इसके कारण वो जो आखिरी वाला जो अगर कहा जाए मतलब क्वार्टर है या तिमाही है उसको वो अनुमान में डालकर जो है वो बात। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक चीजों से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है मध्य प्रदेश का वो आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। यहाँ आर्थिक एवं इंग्लिश वाले बच्चे याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक, ठीक है। ये मैं पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा लेकिन थोड़ा सा लिख देता हूँ, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है, एंड स्टेटिस्टिक के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये तो अपने आप में पहला ये क्वेश्चन ही तैयार हो कि भाई ये सर्वे कौन इशू करता है या कौन जो है वो जारी करता है इसकी रिपोर्ट। तो आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय या डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक जारी करता है। किस डिपार्टमेंट में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक में आता है। ये भी आप एक वर्ड याद रखिएगा, इसका जो डिपार्टमेंट, अगर कोई डिपार्टमेंट पूछेगा यानी विभाग, मंत्रालय तो सभी को पता होगा कि भैया वित्त मंत्रालय में ही होगा, वो तो कोई बात ही नहीं बचती, लेकिन वित्त मंत्रालय के अंदर भी क्या कोई विभाग है, हाँ उसके अंदर भी विभाग है, उस विभाग का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग। अब यहां बस एक नया शब्द क्या जुड़ गया, प्लानिंग, बाकी वो इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक जो शब्द है वो तो कॉमन रहा, उसमें भी यही रहा, इसमें भी यही रहा, तो दोनों में कोई जो है बदलाव नहीं होने वाला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले आर्थिक सांख्यिकी संचालनालय के द्वारा प्रति वर्ष ये सर्वे जो है वो जारी किया जाता है या सर्वे जो है वो प्रस्तुत
किया जाता है, ये एक जो है वो हमको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इस सर्वे की मैं क्या क्या चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो यहीं से आप शुरू करते हैं। करें शुरू? यस सर। ठीक है, और कोशिश करना दो नजरिए से पढ़ना, पहला के जितने आंकड़े भी साथ में लिखते चलो तो बहुत अच्छी बात है, और दूसरा कि अगर ना लिख पाओ तो इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, उस रिकॉर्डिंग से पूरे आंकड़े आप अच्छे से लिख ले। इसमें हम दो तरह से स्टडी करेंगे अभी टॉपिक की, पहला एकदम रैपिड फायर करेंगे शुरू से आखिरी तक, और फिर हम एक एक अलग अलग सेक्टर लेंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर अलग लेंगे, एजुकेशन अलग ले लेंगे, इन सब सेक्टर्स को जो है वो अलग अलग तरीके से भी जो है वो स्टडी करेंगे। तो हमारी आर्थिक स्थिति ये बता रही है कि अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो हमारा जो GDP है यानी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो लगातार तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आपको जो है वो दिख रहा है यहाँ पर, और ये मैंने लास्ट लेक्चर में जब बजट पढ़ाया था तब भी बताया था आपको कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 10.12% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ अग्रिम का मतलब समझ गए, अभी जो अग्रिम शब्द बताया यहाँ पर, अब कोई डाउट तो नहीं रहेगा किसी बच्चे को कि जो अग्रिम शब्द है इसका जो है वो मीनिंग क्या होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, यहाँ पर अग्रिम का क्या मतलब है कि हम क्या लगा रहे हैं इसमें, अनुमान लगा रहे हैं। तो और ये भी याद रखिएगा, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो एक और बात याद रखिएगा, ये जो अग्रिम टाइप के जो वर्ड है ये पहले बजट का हिस्सा जो है वो नहीं होते थे, ये हमेशा याद रखिए, ये बहुत बाद में शुरू हुए। ये पहली बार जो है वो 2016-17 का जब बजट आया था भारत सरकार का, तब पहली बार उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई हम जो इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे तो हम जनवरी फरवरी में पब्लिश कर देते हैं, बजट से पहले ही आता है इकोनॉमिक सर्वे, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो तो 31st जो है वो मार्च को जो है वो खत्म होता है, तो फिर जो है वो हम कैसे आंकड़े लगाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अपन कुछ अंदाज से भी इस पे बात कर सकते हैं, तो तब से जो है वो अग्रिम सर्वे की मतलब अगर कहा जाए अग्रिम आंकड़ों की जो है वो बात आना शुरू। तो कोई पूछेगा कि भाई क्या अग्रिम जो आंकड़े हैं UPSC के लिए, ना MPPSC में जो है वो इसको नहीं बोला जाएगा, UPSC के लिए आप दो क्वेश्चन याद रखिएगा कि अग्रिम, अच्छा इसको लिख भी लो आप लोग, हो सकता है कि एक लेक्चर में जो है वो ये पूरा जो है वो टॉपिक आपका जो है वो ना, दो लेक्चर में हो, लेकिन आप जो है वो अधजल घगरी इसको ना पढ़े तो ये अच्छा होगा। तो ये पहली बात तो हमको ये समझ पड़ गई कि अग्रिम जहां लिखा हो वहां मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास कितने क्वार्टर तक का आंकड़ा आ चुका है, 3 क्वार्टर तक का, ठीक है, यानी Q1 का आ चुका है, Q2 का आ चुका है, Q3 का आ चुका है, Q4 जो है, क्यू का मतलब क्वार्टर तो समझते हो कि नहीं समझते हो, 3 महीने का से हम आंकड़े निकालते हैं ना GDP हर 3-3 महीने में, तो शुरू के जो 3-3 महीने के जो आंकड़े होते हैं ये ध्यान रखिएगा वो तो जो है वो हमारे पास आ चुके होते हैं, और थर्ड क्वार्टर जो है वो कब से कब तक रहता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी थर्ड क्वार्टर जो क्वार्टर कब खत्म होगा, अक्टूबर से शुरू होगा और दिसंबर पर खत्म होगा, यहां तक के आंकड़े तो आ चुके हैं, लेकिन चूंकि जनवरी में ही, अब ऐसा तो नहीं कि वित्त मंत्री को जो है वो अग्रिम आंकड़े जो है वो एक दिन पहले मिल जाते होंगे कि सर आप आओगे और कल बिल्कुल ताजा ताजा गर्मा गर्म आपको तुरंत ही दे देंगे, कभी ना कभी डिपार्टमेंटों ने इसमें 1-2-3 महीने पहले प्रक्रिया शुरू करी होगी, ये भी समझते होंगे आप, इसीलिए अग्रिम अनुमान जो होते हैं वो लगभग 2-3 महीने पहले के। तो हमें ये समझ पड़ रहा है कि अग्रिम अनुमान ये मान रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है मध्य प्रदेश की GDP की वो 10.12 है, ये बहुत ही अच्छी है, मतलब आप ये मान के चलिए अगर किसी स्टेट की GDP की ग्रोथ डबल डिजिट हो गई तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नॉर्मली हम क्या उम्मीद करते हैं, 5-6-7% की ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए अगर डबल डिजिट की हम अंदाज लगा रहे तो ये बहुत अच्छा है। तो पहला तो यही क्वेश्चन आपको याद रखना है, यही पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो ग्रोथ होती है इसमें भी दो तरह के भाव होते हैं, एक होते हैं स्थिर भाव, स्थिर भार का मतलब समझ लीजिए कि GDP जो निकाली जाती है वो एक जो है वो बेस ईयर पे निकाली जाती है, और अभी GDP का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, ठीक है यहाँ पर। और एक प्रचलित भाव होता है, ये 21 गलत लिखा गया है ना, 2011-12 के जो है वो उससे जो है वो आंकड़े इसको निकालेंगे। दूसरा जो होता है प्रचलित भाव, जो वर्तमान में चल रहे भाव होते हैं उससे जो है वो उसको निकाला जाता है। तो इतना तो सबको समझ पड़ता होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ 2011-12 की कीमत और वर्तमान की कीमतों में से कौन सी कीमत ज्यादा होगी तो बताओ,
वर्तमान वर्तमान की कीमत ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो कि वर्तमान की कीमत ज्यादा होगी, इसलिए अब यहाँ ध्यान से देखो, जब हम जीडीपी को स्थिर भाव पर देख रहे हैं तो यहाँ कीमत बहुत कम दिख रही है, और जब हम जीडीपी को यानी अगर कहा जाए प्रचलित भाव पर देख रहे हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा दिख रही है। इसीलिए वहां ये देख लेना कि इनके बीच जस्ट डबल का ही अंतर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जस्ट डबल का। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें जो है, यहाँ आपको अगर कहा जाए आधार वर्ष की जो कीमत थी, किसी का माइक चालू हो गया यार, एक तो तुम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी जो समस्या है ना वो दो तीन है। एक तो क्या है कि इतना लंबा समय हो गया उसके बाद भी तुम जो है वो सिस्टम ऑपरेट करना नहीं सीख पाए भी। अभी वो एक बच्ची वीडियो लेकर ही घूम रही थी, वो जो है अगर अपने को सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अपडेट रहना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसा थोड़ी बच्चों की तैयारी होती है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए, अगर हम आधार वर्ष के आधार हिसाब से देख रहे हैं तो हमारी जो अनुमान है वो कितनी है, 62165, यानी यहाँ ये वाला जो आंकड़ा है। और अगर इसी को अगर हम त्वरित देख रहे तो त्वरित जस्ट इससे क्या हो गया, मोटा मोटा माने तो वो डबल हो गया। यहाँ आपको देखो ये दिख रहा होगा, तो दोनों के बीच में ये आपको याद रखना कि वहां कंफ्यूज्ड मत होना कि क्या पूछा। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो ये 10.12% वाला ही क्वेश्चन जो है वो आएगा। फिर इसके बाद सीधे जब हम किसी भी राज्य की जीडीपी या भारत की जीडीपी निकालते हैं तो हम सेक्टर वाइज जीडीपी को निकालते हैं। तो सेक्टर वाइज में भी हम देख रहे हैं कि हमको दो चीजों के ऊपर बात करना है, एक बेस ईयर पे बात करना है, एक त्वरित पे बात करना है और एक अग्रिम पे बात करना है, ठीक है, एक अग्रिम के ऊपर बात करना है। तो पहले अगर अपन बात करें कि अब तो अग्रिम में दिक्कत नहीं है ना, यानी अब वो जब ये रिपोर्ट जारी होगी तब उनका क्या मानना था कि ये जो अभी आने वाला 31 मार्च है, आज तो हम 16 मार्च को स्टडी कर रहे हैं, 31 मार्च तक ये आंकड़े होंगे। तो बेस ईयर ये हमारा बोल रहा है कि जीडीपी में तीन सेक्टर होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है इस क्लास में जिसको जीडीपी के तीनों सेक्टर में कोई कंफ्यूजन हो, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, क्लियर है ना। यानी प्राथमिक सेक्टर यानी जहां पर अगर हम बात करें कि जिसमें हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं, कच्चे माल की बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरिंग है, ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से मिलने वाले उत्पादों से ही हम मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल बनाते हैं, विनिर्मित वस्तुएं। जिस कमरे में आप बैठे हो वो जितनी वस्तुएं हैं सब विनिर्मित है, तो उसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और जहां से सुविधाएं हम तक पहुंचती हैं, जैसे अगर आप अभी मुझसे पढ़ रहे हो तो इसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, तो सेवा क्षेत्र। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी होटल में जाओ, किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाओ, किसी मूवी थिएटर में मूवी देखो, ये सब सेवा क्षेत्र है। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाओ, ये सेवा क्षेत्र है। तो जीडीपी में तीन सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी और ट्रिशरी, जिसको अपन सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और ये कई सब सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। रफली जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, जैसे प्राइमरी जो सेक्टर होता है उसमें फॉरेस्ट्री एक सेक्टर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक सेक्टर होता है, माइनिंग, ठीक है, एक सेक्टर होता है, यानी खनन, वानिकी, खनन, कृषि, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी के अंदर पूरी मैन्युफैक्चरिंग, जितने हमारे फैक्ट्रीज प्लांट्स लगाए हुए सब सेकेंडरी के अंदर आते हैं। और सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे बड़े सेक्टर्स में अगर अपन बात करें तो बैंकिंग सेवा ले लो आप, टूरिज्म ले लो, हॉस्पिटैलिटी ले लो, हॉस्पिटैलिटी का मतलब अतिथि सत्कार, ठीक है, आप हेल्थ सेक्टर ले लो, एजुकेशन सेक्टर ले लो, इंटरनेट टेक्नोलॉजी ले लो, ये सब आ जाएंगे ट्रिशरी। ये सेक्टर अब तो इतना तेज ग्रो कर रहा है कि अगर हम भारत की जीडीपी की बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर, ये तो मालूम ही होगा ना। यहाँ तो हमारी जीडीपी जो दिख रही है आपको, अगर हम बेस ईयर के हिसाब से बात करें, ये पिछले साल आ गया क्वेश्चन तो आएगा नहीं वैसे, इस साल याद करो आया है ना, पिछले साल ही आया, कब आया ये क्वेश्चन सर? कृषि में विकास दर पूछा था। क्या बेटा? कृषि की विकास दर पूछा था सर। हाँ अच्छा, नहीं ये वाला भी आ चुका है क्वेश्चन, या तो पिछले से पिछले साल आया, कब आया देख लेना एक बार। तो हमें ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंदर अगर हम 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है क्या है, सर्विस सेक्टर, फिर क्या है, प्राइमरी सेक्टर, और फिर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, यानी हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र, ये सबसे बड़ा सेक्टर है इकोनॉमी का यहाँ। और फिर उसके बाद आ गया कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि आधारित क्षेत्र, और फिर उसके बाद आ गया
द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। यही रीजन है कि मध्य प्रदेश ज्यादातर अपने टूरिज्म के ऊपर, ठीक है, और न्यू फिल्म पॉलिसीज के ऊपर काम कर रही है कि कम से कम ये सर्विस सेक्टर और तेजी से बढ़े। ये लेकिन आंकड़े कब की बात करी आप ध्यान रखना, ठीक है, बेस ईयर 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन जब हम त्वरित आंकड़ों के हिसाब से जाएंगे, त्वरित और अग्रिम आंकड़ों के हिसाब से जाएंगे, अगर हम अभी के हिसाब से देखें अग्रिम, तो अग्रिम आंकड़े क्यों यहां पर पलट गए होंगे सोचो, अचानक कृषि क्षेत्र क्यों इतना बढ़ गया, ये क्यों कम हो गया सोचो, कोविड के कारण वेरी गुड, कोविड के कारण हमारा सर्विस सेक्टर को नुकसान हुआ, मैन्युफैक्चरिंग को भी नुकसान हुआ, लेकिन हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, आपको मालूम होगा कोविड के किसी भी फेज के दौरान कृषि आधारित गतिविधियों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। वो जिस कैसे लगाओगे, किसान से थोड़ी बोलोगे कि फसल मत को। तो इस तरह से अगर कहा जाए, कोई पूछता है कि भाई दो, अब ध्यान रखना 2000 ये आंकड़े एक साल तक तो यही के ही रहेंगे, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो अगर कोई पूछेगा कि भाई 2021-22 के अनुसार अग्रिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है, तो आप कहोगे कि साहब जो है वो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र का जो है योगदान जो है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर जो है वो सेवा क्षेत्र का योगदान है, और उसके बाद जो है वो फिर जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है। हालांकि आने वाले समय में ये आंकड़े फिर से पलट जाए, क्योंकि जैसे ही स्थिति जो है वो यहाँ पर, तो ये अग्रिम अनुपात, अग्रिम अनुमान के लिए याद रखिएगा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं खासकर, और जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए। कई बार जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे पढ़ते हैं तो उसमें FAE वर्ड इस्तेमाल होता है, यहाँ FAE का मतलब होता है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, तो ये अग्रिम का मतलब होता है एस्टिमेट, यहाँ लिख लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले, एस्टिमेट बोलते हैं इसको, और ये क्या कहलाता है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, अगर कोई पूछे का मतलब क्या है, तो अब आ गया समझ में फर्स्ट। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी बताया था आपको 2016-17 के बजट में, 16 नहीं बोलेंगे, 16-17 के बजट, ठीक है, अधूरा बोलने में गड़बड़ होगी। तो अब हमारे पास ये जो है वो आंकड़े जो है वो समझ पड़ते हैं, यानी त्वरित और अग्रिम में कोई ज्यादा अंतर नहीं, यानी ले दे कल कहानी ऐसे याद रखना है, बस याद रखना अगर व्यापम का कोई पेपर दे रहे हो तो ये आंकड़े याद रखना, 46.5% जो है, ठीक है, यहाँ 34.13, 19.30, ये अगर नहीं याद रखोगे तो गड़बड़। बढ़ू यहां से आगे, अब चूंकि आपकी जीडीपी में भी ग्रोथ हुई है तो निश्चित रूप से यहाँ, अच्छा अब अगले पे पहले तो एक और ले लेते हैं। अगला बोल रहा है वो कि सकल राज्य मूल्यवर्धन, यहां पर अगर कर, तो ग्रॉस स्टेट अगर कहा जाए वैल्यू एडिट, अब ये वैल्यू एडिट का क्या नया नाटक है, ये भी समझ लेते हैं 2 मिनट के लिए जल्दी से। मूल्यवर्धन जो कंसेप्ट है वो भी हमारे जीडीपी के अंदर बिल्कुल जो है वो नया है, कोई पहले जो है वो मूल्यवर्धन टाइप की जो है व्यवस्था जीडीपी के अंदर जो है वो अपनाई ही नहीं जाती थी, ये याद रखिएगा। ये पहली बार 2015-16 के बजट में ये सब जो मोदी जी की गवर्नमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट है, हालांकि ये बहुत फायदेमंद है। पहले तो समझ लो कि यहां पर थोड़ा सा समझा दूं 2 मिनट के लिए, सकल मूल्यवर्धन क्या होता है। मूल्यवर्धन अगर आप राज्य का पढ़ोगे तो बीच में यहां क्या आ जाएगा, राज्य। सकल को अगर क्या बोलते हैं, ग्रॉस, ठीक है, राज्य को क्या बोलते हैं, स्टेट यहां पर, और मूल्यवर्धन को क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड। तो अगर हम ऑल ओवर इंडिया पढ़े तो जीवीए पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे तो जीएसवीए पढ़ेंगे। अब ये है क्या कहानी, जीएसवीए मूल्यवर्धन क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है ये, मूल्यवर्धन की अवधारणा क्या है यहाँ पर। तो मूल्यवर्धन का बेसिक अगर कहा जाए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेशरी जो सेक्टर है, 3 सेक्टर है, इनमें टोटल जो गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है वो फाइनल प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना है ना, अंतिम उत्पादन निकाला जाता है और वस्तु कीमतों में निकाला जाता है ना, ये ध्यान रखिएगा, रुपए में ही निकालोगे, ऐसा नहीं कि तुम कहोगे कि इतने लीटर तेल हो गया, इतने किलो टन जो है वो गेहूं हो गया, नहीं, अंतिम जो है वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। अब जब हम मौद्रिक मूल्य निकालते, ध्यान समझिएगा, ये एक प्रकार का क्या निकालते हैं, मौद्रिक मूल्य। जब हम मौद्रिक मूल्य निकालते हैं तो निश्चित रूप से इसमें हमारी जो है वो इनपुट कॉस्ट भी आती होगी, तो उस इनपुट कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, हमको अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा,
जैसे मान के चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, सोच ध्यान समझिएगा, अब मैं एक महीने पढ़ाता हूँ, आप मुझे एक महीने में सब मिलाकर जो है वो 1,000 रुपए देते हैं, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म वाला मुझसे जो है वो 500 रुपए ले लेता है, इंटरनेट वाला मुझसे 100 रुपए ले लेता है, बिजली मेरी 50 रुपए की चल जाती, टोटल मेरी कॉस्ट कितनी निकल गई, 650 रुपए निकल गई। इस प्रकार मेरा अगर कहा जाए कि जो ग्रॉस जो मुझे अर्निंग हुई, ग्रॉस अर्निंग वो कितनी हुई, 1,000। बट अगर कोई मुझसे पहले कि मेरा जीवीए कितना आया, तो वो कितना आ गया अगर कहा जाए, 350। तो एक्चुअल अगर सही आंकड़े निकालना है अर्थव्यवस्था के, तो क्या इसको देख के चलना चाहिए ग्रॉस वाले को कि जीवीए को देखना चाहिए, वैल्यू एडेड वाले, वैल्यू एडेड को देखेंगे तो आपको सही आंकड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सोच के देखो। ग्रॉस वाले में तो सही आंकड़े आपको मिल ही नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि जो इनपुट कॉस्ट होती है उसमें रास्ते की जो अगर कहा जाए जो लागत होती है उसको अगर हम हटा दें, तो हम जो है वो जीवीए की ओर जो है वो बढ़ जाते हैं, और अगर हम उसको ना हटाएं पूरा लेकर चले तो हम जो है वो जीडीपी की ओर जाते हैं। तो वर्तमान समय में तो जैसे 2015-16 में जब ये चीज शुरू हुई, तब से जो है वो जीवीए से ही जो है वो आंकड़े जो है वो निकाले जा रहे हैं, और ये ध्यान रखिएगा जीवीए में आपको कुछ नहीं करना है, अगर और भी सरलता से निकालना है, ऑल ओवर गवर्नमेंट का निकालना है, तो कुछ मत करो, सबसे सरल है। अगर जैसे कोई पूछेगा कि भाई ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड निकालना है आपको, है ना, सकल राज्य मूल्यवर्धन या सकल मूल्यवर्धन निकालना, तो जो राज्य की जीडीपी हो, जीडीपी राज्य की, जिसको मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ ना, जीएसडीपी लिख दे रहा हूँ, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से क्या हटा दो, टैक्स को हटा दो, कौन से, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, इनकम टैक्स नहीं हटेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दो, और क्या जोड़ दो इसके अंदर, सब्सिडी, तो इसको सब्सिडी को जोड़ दो, इससे भी आप जो है वो जीएसवीए की वैल्यू निकाल सकते। अब आ गया समझ में, सरल भाषा में समझ गए कि जो इनपुट कास्ट है उसको आप हटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीवीए आ जाएगा। तो अगर अब हम जीवीए के हिसाब से देखें तो 2011-12 में इसको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी बेटा याद करने में, ना ये आंकड़े इस साल याद करके जाना, एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो जीवीए के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो है वो सबसे बड़ा जो योगदान है वो सर्विस सेक्टर का है, दूसरे नंबर पे प्राइमरी सेक्टर का है, तीसरे नंबर पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। इसमें एक अच्छा फायदा है कि जो हमने अभी इससे ऊपर वाले आंकड़े देखे उसमें और इसमें कोई बदलाव तो नहीं है ना, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की बात करें तो कोई बदलाव तो नहीं है, वहां यही फर्स्ट था, यही सेकंड था और यही थर्ड था, ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया, ये द्वितीयक हो गया और ये तृतीयक, बस आपको आंकड़ों में क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा थोड़ा सा, यानी परसेंट जो होगा वो बदल जाएगा, वो ध्यान रखना। ऐसे ही अग्रिम अनुमान में भी आपको यही आंकड़े जो है वो याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर भी जो है वो सेम है, वहां क्या देखा था अपन ने सबसे ज्यादा कृषि, यहाँ भी देख रहा हो 37 पॉइंट, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन फिर भी नंबर वन पे कौन है अगर देखा जाए तो कृषि, भाई देखो ना 4.1 और 4.9 के बीच में बहुत कम माइनर डिफरेंस, लेकिन फिर भी कृषि जो है वो, कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद जो है वो द्वितीयक क्षेत्र, सॉरी तृतीयक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र। तो इस तरह से हमें यह समझ पड़ा कि चाहे हम अग्रिम अनुमान लगाएं, चाहे हम जीडीपी के हिसाब से लगाएं, चाहे हम जीवीए के हिसाब से लगाएं, दोनों ही स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर बेस ईयर में सबसे बड़ा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, बेस ईयर में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, उसके बाद जो है वो प्राथमिक क्षेत्र और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, और अग्रिम अनुमान में जस्ट सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया 2021-22 में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इस तरह से अगर कहा जाए, सॉरी प्राथमिक, तृतीय और द्वितीय क्षेत्र, इस तरह से अगर कहा जाए कि इसको आसानी से निकाला जा सकता है, इनको घर पे लिख लेना कॉपी में अच्छे से, आएंगे आएंगे। बढ़ूं आगे, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो फिर हमें समझ पड़ा कि 2021-22 के अग्रिम दौरान, जो अग्रिम अनुमान है उसके दौरान प्राथमिक क्षेत्र में 10.32%, द्वितीय क्षेत्र में 5.92%, ठीक है, कि एवं तृतीय क्षेत्र में जो है वो 9.67% की वृद्धि। इस प्रकार अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें
ग्रोथ, किस तरह से हम जो है ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमें ये ग्रोथ समझ पड़ रहा है कि पुराने अनुमानों की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो ग्रोथ की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई। अब बड़ा प्रश्न है कि यार आंकड़ों में तो द्वितीयक क्षेत्र सबसे कम पर है लेकिन ग्रोथ में ज्यादा है, तो सोचो क्यों ही होगी ग्रोथ में ज्यादा, सोचो, दिमाग लगा सकते हैं। कोविड के समय लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को समझना शुरू, इसलिए अब वो ठीक है। अगर कहा जाए एक तो स्वरोजगार की ओर बढ़ने लगे, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ने लगे, ठीक है, अपनी क्रय शक्ति को जो है वो मैनेज करने लगे, इन सबसे द्वितीयक क्षेत्र को। और एक और फायदा हुआ कि अब हम कोविड के दौरान पहली बार एक नया कंसेप्ट जो है वो वोकल टू लोकल, मेड इन इंडिया, इसके ऊपर भी फोकस करने लगे, जिससे फायदा किसको मिल गया, सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये याद रखना कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो ग्रोथ रेट है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई है, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, क्लियर आ गया, बढ़ जाऊं यहां से। और yes, सबसे कम किसमें हुई है, सर्विस सेक्टर में। सर्विस में तो होगी ना, काहे तो कोविड के बाद सोचो कि मैं जो है वो मांडू घूमने चला जाऊं तो अरे नहीं नहीं यार, मांडू अभी कहां मेरे पास, पहले तो मुझे पैसे कमाने पड़े। तो लोगों ने अपने घूमने फिरने इस तरह के जो एक्सपेंडिचर थे, लाइफ स्टाइल एक्सपेंडिचर, वो खत्म किए। इसको सरल भाषा में समझ लो, आज से 2 साल पहले थिएटर में मूवी लगती थी तो शुरू के 2-3 दिन आपको टिकट लेने में बहुत कष्ट होता था। आज आप शाम को किसी भी थिएटर पे चले जाइए, आसानी से टिकट मिल जाएगी, कोई आपको भीड़ नहीं मिलती, देखा होगा ना के बराबर लोग जा रहे हैं। यानी धीरे धीरे आवश्यकताएं भी बदली हैं, विचार भी बदले हैं उनकी, जैसे कहते ना अप्रोच भी बदल रही है अब लोगों की कई चीजों में। तो ये एक जो है वो इस तरह से हम जो है वो इसको समझ सकते। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी जीडीपी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से आपकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर हम 2011 ये क्वेश्चन पे आप मोस्ट आईएमपी डाल लो, सब में आएगा, पीएससी के किसी भी एग्जाम को ले लो, व्यापम के किसी भी एग्जाम को ले लो। तो अगर हम यहाँ बेसिक अगर देखें कि 2011-12 के हिसाब से ये कौन सा बेस ईयर, बेस ईयर के हिसाब से देखें तो हमारी जो पर कैपिटल इनकम है या प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी हो गई है, 63,345, ये बढ़ गई, अच्छी खासी बढ़ी है, 8.59%। लेकिन अगर हम अग्रिम अनुमानों के हिसाब से बात करें और वर्तमान मूल्यों के लिए यानी प्रचलित मूल्यों के हिसाब से बात करें तो हमारी ये प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़कर कितनी हो गई, 1,24,685। तो इस तरह से हमें दो चीजें समझ पड़ रही हैं कि अगर हम जीडीपी के बेस ईयर के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 8.59% की वृद्धि हो गई, और अगर हम वर्तमान प्रचलित भाव के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 18.87% हो गई। यानी अब एक औसतन मध्य प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो कितनी हो गई, 1,24,685। अब आप कहोगे कि 1,24,685, अच्छा प्रति व्यक्ति आय जो है वो पर कैपिटल इनकम निकालना तो आती होगी, जो टोटल आपकी जो जीडीपी से जो टोटल इनकम है उसमें आप क्या कर दोगे, पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर, पॉपुलेशन का भाग दे। इससे क्या सिद्ध होता है कि जितनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन होगी उतनी जो है वो आपकी पर कैपिटल इनकम क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसीलिए जो छोटे राज्य होते हैं, छोटे का मतलब है जहां जनसंख्या कम होती है, उन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय जो है वो ठीक ठाक होती है। दुनिया में ऐसे सभी देश जिनकी जनसंख्या जो है बहुत कम होती है उनकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। कभी जैसे लक्जमबर्ग की आप देखिए जाके, इतनी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है कि हम सोच नहीं सकते। फिर भी ओवरऑल मोटा मोटा माने कि अगर हम इसको 1,24,000 आ रही है, इसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो मेरे हिसाब से अंदाजन जो है कितना आ जाएगा, 10,380 या 10,390 के आसपास कुछ आ जाएगा अप्रोक्स। हाँ, यानी औसतन इस राज्य का हर व्यक्ति प्रति दिन प्रति महीने कितने रुपए कमा रहा है, 10,300, ये आप याद रखिएगा। लेकिन इस अब आपके दिमाग में ये कहानी आ गई कि 10,300 कमा रहा है तो ये तो अच्छी खासी इनकम है हमारी, नहीं,
इसमें उनकी भी आय शामिल है जो टाटा बिड़ला जैसे अमीर है, ठीक है, तो उससे जो है वो कहानी जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। ओवरऑल हमें ये समझ पड़ा कि आज औसतन मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय त्वरित मूल्यों के ऊपर 1,24,685, जिसमें 18.87% की वृद्धि हुई, ये ठीक ठाक अच्छी वृद्धि मान सकते हैं इसको यहाँ पर, और धीरे धीरे और वृद्धि होगी। हाँ, अगर हम अपनी जनसंख्या को स्थिर कर पाए या जो है वो जनसंख्या स्थिरीकरण की जो नीतियां अपना पाए, तो हम अपनी जो है वो अगर कहा जाए प्रति व्यक्ति आय को बहुत ऊपर तक जो है वो ले जा सकते हैं। और आप इंटरनेट पर जाइएगा, पर कैपिटल इनकम कंट्री वाइज टाइप करिएगा और देख लीजिएगा इसको, है ना, कोई भी ऐसा देश की आपको पर कैपिटल इनकम ज्यादा नहीं मिलेगी जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी। जिन देशों की जनसंख्या मतलब बहुत ही कम होगी, उनकी पर कैपिटल इनकम जो है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा। जहां तक मुझे अगर याद है तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय, हालांकि अभी नए आंकड़े तो जो है वो निकले ही नहीं है, 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम अग्रिम अनुमान में देखें तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय, उससे स्थिति में हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, क्योंकि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय जो निकाली गई है वो लगभग 86,000 रुपए के आसपास शायद आती है यहाँ पर, और वो भी NNI में, और ओवरऑल में जो है वो शायद 1,45,000, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन आप देखोगे GDP पर कैपिटल इनकम भारत का शायद 1,45,000 रुपए है अभी 2020-21 के आंकड़े के हिसाब से। उस हिसाब से तो हमारी जो है वो ठीक है, ठीक ठाक स्थिति है यहाँ। तो ये बुनियादी बात यहाँ से निकलती है। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें से तो कुछ ज्यादा आएगा नहीं, यही परसेंट आएगा, तो परसेंट आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये लोक वित्त वगैरह हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बजट पे बात करी थी, तो इसको इसमें देखने का कोई मतलब नहीं। अब अगर कहा जाए बचत, ये हम नीचे अलग से जो है वो पढ़ेंगे भी इसको, तो उसमें जो है वो देखेंगे कि बचत वगैरह में जो है क्या कहानी होती, फिर भी चलो 2 मिनट हल्का सा समझ लेते हैं कि बचत जो है और विनियोजन के बारे में जो है वो क्या कहना चाहिए। बचत का मतलब है, सिंपल सी लॉजिक है कि हमारे स्टेट के पास जितने बैंक्स हैं उनकी जितनी ब्रांचेस हैं उसमें जो लोगों ने जो है पैसा जमा कर रखा, वो जमा करी हुई राशि पिछले वर्षों की तुलना में अब जो है वो बढ़ रही है कि जो है वो घट रही है। तो आपको ये तो साफ है कि कोविड के बाद लोगों ने बचत के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया है, बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़ाना शुरू कर दिया, बचत ज्यादा करने लगे लोग। तो खुद कह रहा है कि 2018-19 से 2021-22 के दौरान कुल जमा राशि में 9.69%, ठीक है, की जो है वो वृद्धि हुई, यानी हमारी जो बचत है वो 9.69% की जो है वो वृद्धि हमको यहाँ देखने को मिलती है। प्लस हमारी जो ऋण है, ऋण भी बढ़ा भाई, एक और आप सेविंग भी कर रहे हो, एक और जो है वो लोग स्वरोजगार या अन्य चीजों के लिए जो है वो लोन भी ले रहे हैं, तो ऋण राशि भी जो है वो बढ़ रही है, यानी दोनों ही चीजें जो है वो अगर कहा जाए वृद्धि हुई। तो ये ऋण वाला तो नहीं आएगा, कुल जमा राशि में 9.69% की जो है वो वृद्धि, ये एक आप जो है वो आपको याद रखना। इसके अलावा जो है वो कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं। सीधे अभी ये देखो, ये एक ओवरऑल सरसरी, जैसे कहते हैं ना सरसरी के साथ जो अनुमान लगाते हैं अपन, वो अभी अपन बात कर रहे हैं। शुरू के इस फाइल के अंदर जो 20 पेज है उसमें रफ अनुमान, फिर सेक्टर वाइज बात करी उसने अलग अलग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आएगा, तो इनको जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। जैसे इसके जस्ट बाद वो बोल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, तो आपसे अच्छा प्रश्न कैसे आते हैं ये समझ लो, आपसे क्या पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। पहला आ जाएगा 63.12 लाख, दूसरा आ जाएगा 25.45 लाख, ऐसे है आपको घुमाने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है, दो चीजें होती है, या तो आपने सुना ही नहीं होता है तो आप अंदाज से कुछ भी नहीं लगा सकते ऐसे, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स के आंकड़े अंदाज पे नहीं टिके होते। सुना होता है तो हमको हाँ ये पता होता है कि हाँ यार 60 लाख के आसपास सुना था, तो आप अंदाज से पहुंच सकते हो। तो 63.12 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए, तो ये तो सबको मालूम होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की कहानी बताओ कोई मुझे, किसान क्रेडिट कार्ड क्या क्या होते हैं किसान क्रेडिट कार्ड?
सर इस पे लोन ले सर किसानों का लोन मिल गया ठीक बोल दिया और वही बच्चा बोला करे जिसका माइक साफ सुथरा हो मतलब जिसके पास अच्छी इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी हो वही बोले बाकी कोई नहीं बोले। हाँ जल्दी से बोलो कौन बोल रहा है। कृषि सुधार के लिए उसमें किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है ठीक है किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है ना ये ऋण उपलब्ध कराने वाली चीज नहीं है ये क्रेडिट है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हो ना तो आप अपनी भूमि जो है मतलब ऋण उपलब्ध कराने तो एग्रीकल्चर लोन हो गया ना वो तो ठीक है ये ध्यान समझो दोनों में अंतर समझो। कृषि के क्षेत्र में ऋण शब्द का प्रयोग नहीं होता पहली चीज ये आज से याद रखिएगा। कृषि हमेशा किस पे टिकी हुई होती है साख पे। उसको क्या कहा जाता है कृषि के क्षेत्र में साख। साख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्रेडिट। इसको ऐसे समझो कि इस क्लास में कोई भी बच्चा आज अगर किसी बैंक के पास जाए और कहे कि साहब मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा क्योंकि आपकी कोई अभी साख नहीं है आप स्टूडेंट हो। लेकिन कल को जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तो बैंक वाले आपको फोन लगा लगा के बुलाएंगे कि भाई साहब प्लीज हमसे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए क्योंकि आपकी क्रेडिट बन चुकी है। उनको मालूम है कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर है सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास ऑफिसर है इसको क्रेडिट कार्ड देने से हमको ही लाभ होगा। तो किसानों की बिचारों की कोई जो है वो साख नहीं मानी जाती क्यों क्योंकि कृषि जो है वो मानसून पर आधारित जुआ है। कब किस्मत जो है वो पलट जाए कुछ नहीं कहा जाता इसलिए शुरू से उनके लिए लोन की जगह साख शब्द का इस्तेमाल किया जाता। तो जनरली क्या हुआ कि भारत सरकार के द्वारा 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी और इसमें जो है वो नाबार्ड जो था वो एक प्रिंसिपल एजेंसी था। एक कमेटी बनाई थी सरकार ने जिसका नाम था आरबी गुप्ता कमेटी यूपीएससी के लिए याद रखिएगा। उसने कहा कि साहब आप किसानों को क्रेडिट कार्ड दो। क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि जैसे उसके पास 10 एकड़ जमीन है तो पर एकड़ जो है वो 30,000 रुपए कर दो आप उसमें तो वो 3,00,000 रुपए उसको क्रेडिट मिल जाएगा और वो 3,00,000 रुपए साल भर यूज करके जमा कर दें। तो एक प्रकार से आपने जो है वो उसकी जमीन के ऊपर उसको जो है वो क्रेडिट उपलब्ध करा दी। तो इस तरह से जो है वो अगर कहा जाए जो है वो केसीसी जो है वो शुरू हुआ। आप आज केसीसी किसी गवर्नमेंट बैंक से प्राइवेट बैंक से भी बनवा सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से केसीसी बनते। आप सरकारी बैंक से बनवा लो प्राइवेट बैंक से बना लो आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से भी आप केसीसी बनवा सकते हो। तो 1998 से चल रही है लगातार किसान क्रेडिट कार्ड जो है अगर कहा जाए की संख्या बढ़ रही है। तो अभी लेटेस्ट सितंबर 2000 अब इस अच्छा देखो एक फायदे क्या होते हैं। अब आपको सबको समझ पड़ रहा होगा कि तो, जो है वो अग्रिम शब्द का मतलब क्या होता है। आ गया समझ में अभी तक अग्रिम की मीनिंग क्योंकि सितंबर तक है यानी अब हम जो भी बात कर रहे हैं अग्रिम के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसीलिए अपन ने कहा था ना कि कोई भी आंकड़े आपको आज तक के नहीं मिलेंगे। तो 63.12 लाख किसानों को हमने क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा दी। उसका फायदा यह है कि वो कम से कम जो है अपने अच्छा क्रेडिट कार्ड जो होते हैं ना वो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं किसानों की जैसे खाद है बीज है पेस्टिसाइड्स है इसके लिए बड़े कामों के लिए नहीं होते। यहाँ पर जैसे जमीन खरीद लो केसीसी से वो संभव नहीं है क्योंकि औसतन एक एकड़ वाले किसान को बैंक 25,000 से 30,000 रुपए ज्यादा क्रेडिट नहीं देता। ठीक है मतलब 10 एकड़ का किसान है तो उसको 3,00,000 रुपए उसका कार्ड पे मिलता होगा एक एवरेज। आप में से कोई कृषक फैमिली से होगा तो अपने पापा से पूछिएगा कि केसीसी पर कितना पैसा है। कोई किसी को मालूम है कि आपके जो है कितनी जमीन है कितना केसीसी आया। चलो कोई बात जी सर। हाँ तो बताओ क्या बता रहे सर। उसमें पता नहीं है बट पैसा लेते हैं वहां से वो जमा कर देते टाइम पे और 4% रहता है बट लगता 7% है। नहीं, चार, पहली चीज आपकी और एक अपडेट कर दूं 4% कोई जो है वो ब्याज नहीं लगता उसमें कमर्शियल ब्याज ही लगता है जो भी 7.5% है ना ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गवर्नमेंट कुछ उसमें देता है बोनस वगैरह वो अलग है। गवर्नमेंट क्या सब्सिडी दे रही है बाद में वो सब गवर्नमेंट की बात किसकी। ठीक है भविष्यगामी चीजों को अपन बाद में रखें। बुनियादी रूप से केसीसी पर कमर्शियल ब्याज ही लगता है। आज आप किसी भी वेबसाइट पे जाके केसीसी की जो है वो ब्याज रेट पढ़ लेना कमर्शियली होगी और कम से कम 7% से ज्यादा ही होगी। ये भी मैं आपको 7% तो प्रधानमंत्री अगला जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो हमें मालूम है जस्ट इसी की तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जल्दी से समझें हमने फसल बीमा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक रबी की फसलें एक खरीफ की फसलें और एक बेटा जिसका माइक चालू हो जाता है बंद कर लिया करो यार। एक रबी एक खरीफ और एक जायद। तो सबको मालूम है ध्यान से देखना है ना एक है खरीफ एक है रबी
और एक है जायद। ठीक है, अब खरीफ की फसल सबको मालूम है किसके ऊपर ज्यादा टिकी हुई है, मानसून, मानसून के ऊपर है ना। तो चूंकि मानसून पे, अब मानसून पे ज्यादा है तो रिस्क भी किस फसल में ज्यादा है, इसमें। ठीक है, रिस्क भी किसमें होगा, इसमें ज्यादा होगा। उससे कम रिस्क है रबी की फसल में, जो अभी फसल की कटाई हो रही है इस समय फरवरी मार्च में, वो रबी की है। और जायद होती कैश क्रॉप्स, तो कैश क्रॉप्स के जो है वो खराब होने की जो है वो संभावना क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए अगर हम प्रधानमंत्री, देखो ऐसा है कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो तो अधजल घघरी नहीं पढ़ना कि भैया एमपी का पढ़ रहे हो तो कुछ बाकी चीजों को तो छोड़ छाड़ दिया, कुछ जो है वो कवर ही ना करें। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा को भी अगर हम ध्यान से देखें तो उसको तीन हिस्सों में उन्होंने क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है। सबसे ज्यादा वो लगाते हैं 5% इसमें किसके ऊपर, जायद फसलों के ऊपर। उसके बाद दूसरे नंबर पे चले जाते हैं किसके ऊपर, वो खरीफ के ऊपर। और सबसे कम लगता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर बीमा प्रीमियम किसके ऊपर, रबी फसलों के ऊपर। तो याद रहेगा यहाँ, तो मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर देखें, आएगा नहीं ये क्वेश्चन, तो मध्य प्रदेश में इतना प्रावधान था 2021-22 में 1775.95 करोड़ का प्रावधान। और फसल नष्ट होने पर अभी आप में से बहुत सारे कृषक परिवारों से जो होंगे उनके खातों में अमाउंट क्रेडिट हुए हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम किसानों को, हालांकि उतना नहीं मिल पाता। और इसमें भी थोड़ी सी एक समस्या ये है कि जो फसल नष्ट होती है उसका जो निर्धारण कि कितनी नष्ट हुई कैसे हुई, उसमें अधिकारियों का भी बड़ा तो उपेक्षापूर्ण रवैया कई बार होता है प्रशासन के अधिकारियों में, पटवारी से लेकर जो है वो ऊपर तक की उसमें सिस्टम में, जिसके कारण किसान को सही उसके प्रीमियम के अनुरूप जो है वो उसका इंश्योरेंस वाला जो अमाउंट है वो नहीं मिल पाता। ओवरऑल देखेंगे उसको बाद में। फिर आते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर, छोड़ दें कोई काम का नहीं है यहाँ। केवल याद रखना है कि मध्य प्रदेश के 186,000 कृषकों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किया गया, और कुछ काम का नहीं है, ये आपको याद रखना है। फिशरमैन क्रेडिट कार्ड, तो केवल ये याद रखना है कि नवंबर 2021 तक 15,082,000 किसानों को फिशर जो है वो क्रेडिट, फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया गया। इनमें कोई जो है अगर कहा जाए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें नहीं है, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं है अभी यहाँ पर। फिर सीधे आ जाते हैं शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो 25,072 जो है वो शासकीय उचित मूल्य, समझते हो ना, फेयर प्राइस शॉप, जहाँ से राशन जो, जो राशन की जो दुकानें होती हैं वो ही फेयर प्राइस शॉप के नाम से जो है वो जानी जाती है। उनको ये जो पीडीएस सिस्टम है, ध्यान रखिएगा, जो पीडीएस सिस्टम में गेहूं हम तक आता है, सबसे पहले तो जो है वो ये कहाँ से चलती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई से शुरू होती है प्रक्रिया। एफसीआई से पीडीएस से जो है वो कहाँ तक आती है, फेयर प्राइस शॉप, इसको बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान। फेयर प्राइस शॉप को उचित मूल्य की दुकान के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो हमने क्या करा, उचित मूल्य की दुकानों को भी किससे जोड़ दिया, जैसे बोल रहा है ना कि सभी दुकानों पर POS मशीन जो है वो लगा दी गई। तो POS तो ऐसे भी आज आप किसी भी दुकान पर चले जाओ, कुछ रखा हो ना रखा हो, बिक्री बेचारे की कितनी होगी, एक आध POS मशीन पर जो है वो सबको जो है वो दिख जाती है। POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल। और इसमें एक और सुधार हम लोगों ने कर दिया है कि आधार कार्ड से भी लिंक कर दिया है, तो जो व्यक्ति राशन लेता है उसका डिजिटल प्रक्रिया से, ठीक है, उसके खाते में वो इंडिकेट होने लगता है। ये भी एक अच्छा कदम है, मान सकते हैं। अब समर्थन मूल्य पर जो खाद्यान्न का उपार्जन हमने किया, तो ये अभी हमको नीचे भी आएगा, लेकिन जो है इसमें दो फिगर जो है वो आप याद रखिएगा कि 2020-21 में गेहूं का उपार्जन जो है वो अगर कहा जाए जो 129.42 लाख मैट्रिक टन था, ये वाला आंकड़ा नहीं लगता यहाँ पर, ठीक है, वो 2021-22 में 128.16 लाख मैट्रिक टन हो गया। अब ध्यान से कंफ्यूज्ड मत होना, ये उत्पादन नहीं है, ठीक है, ये उत्पादन नहीं है, ये उपार्जन है। उपार्जन मतलब सरकार जो खरीद रही है, नहीं तो कई बार क्या होता है ऐसे आंकड़े आपको एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं कि यार पिछली साल हमारा गेहूं 129.42 लाख मैट्रिक टन हुआ, इस बार जो है वो 128.16 लाख मैट्रिक टन हुआ, मतलब गेहूं का उत्पादन कम हो गया। नहीं, उत्पादन कम नहीं हुआ, ठीक है, उपार्जन उसका क्या हुआ है, 20-21 में उपार्जन इतना हुआ था, 21-22 में जो है वो उपार्जन इतना हो गया,
ये आपको याद रखना, ठीक है। इसी तरह 21-22 में धान का उपार्जन कितना हुआ, 45.86 लाख मैट्रिक टन। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जो समर्थन मूल्य होता है, समर्थन मूल्य समझते हो, ठीक है, जिसको अपन मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस बोलते हैं, उस एमएसपी के ऊपर उनने अपनी सोसाइटीज या एजेंसीज के माध्यम से धान यानी पेडी, जिसको आप चावल बोलते हो, 45.86 लाख टन खरीद लिया, और गेहूं जो है वो 128.16 लाख टन खरीद लिया। ये हमारी उपलब्धियां हैं, कई राज्य तो इस आंकड़े को छू भी नहीं पाते, तो हम पंजाब जैसे राज्य से ज्यादा जो है वो उपार्जन कर रहे हैं इस समय कृषक का, ये बहुत अच्छी बात। अगला जो है वो मौसम की स्थिति, बहुत ध्यान समझिएगा। अब पहली लाइन तो यही एग्जाम के लिए आ गई, एक औसत अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में यहाँ लिखा हुआ है कि 1024.3 मिलीमीटर। तो मैंने आपको जब क्लाइमेट पढ़ाया था तो याद करो बताया भी था कि मध्य प्रदेश के अंदर औसत बारिश जो है वो कितने सेंटीमीटर हो रही है, 100 सेंटीमीटर। इसको अपन मिलीमीटर में काउंट करें तो कितना हो गया, 1000 मिलीमीटर। तो हमें ये समझ पड़ा कि मध्य प्रदेश के अंदर 1024.3 मिलीमीटर जो है वो बारिश हो रही है। अब 2020 में जो है वो बारिश 971 हुई, 2021 में जो है वो 941 हुई। इससे क्या समझ पड़ रहा है कि पिछले दो साल मध्य प्रदेश कम वर्षा की समस्या से जूझ रहा है कि नहीं जूझ रहा है, और कम वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहा होगा, सोचो, किसान। तो क्या कर दिया जाए, क्या करा जाए, किसान को उन चीजों से जोड़ा जाए जैसे वो खेत तालाब योजना से जुड़े, जैसे कि कम से कम वो साल भर पानी स्टोर करके रख सकें, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग से ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाएं, जिससे कि अगर बारिश कम हो तो वो ट्यूबवेल कुओं आदि से पानी को जो है वो उपयोग में ला सकें। तो ऐसी चीजों के ऊपर अब सरकार जो है वो फोकस करना शुरू कर। तो ओवरऑल हमको ये समझ पड़ता है कि पिछले दो वर्षों में औसतन मध्य प्रदेश में बारिश कम हुई, जिसमें एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, और हमारे यहाँ बारिश के मौसम कौन से हैं, जून से सितंबर। तो 2021 में जो है वो मध्य प्रदेश में पिछले सालों की तुलना में या औसत वर्षा की तुलना में कितनी प्रतिशत वर्षा कम हुई है, 8.5। क्वेश्चन हो गया आपका पीएससी का एक के, मध्य प्रदेश में 2021 में औसत वर्षा सामान्य वर्षा से कितना प्रतिशत कम रही, 5%, 6%, 7%, ऐसे पॉइंट वाइंट नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा 5, 6, 7 या 8। तो याद रखना 8% या 8.07%। इस हिसाब से क्या सिद्ध होता है कि ये दोनों ईयर अगर हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट के हिसाब से देखें तो ये हमारे लिए कैसे ईयर हो गए, अल्लीनो ईयर। अल्लीनो में मालूम होगा सूखा पड़ता है, ठीक है, हमारा कमजोर पड़ जाता है। तो दो साल हो गए, तो इस साल अपने को क्या समझ पड़ गया कि अब ये जो साल यहाँ पर अगर कहा, इस साल 22 में हमारी वर्षा क्या होगी, एकदम झमाझम होगी, है ना, लानीनो आएगा, हाँ मतलब लानीनो आएगा। अब देखते हैं क्या होता है, अभी इसको रिकॉर्डिंग को देखेंगे, फिर उस समय जब आएगा, जबकि जब से बात करेंगे। अब यहां से अगर कहा जाए प्राकृतिक आपदाओं और राहत, तो प्राकृतिक आपदाओं के आंकड़े नहीं पूछे जाते कि जैसे 2021-22 में इतने करोड़ रुपए हमको मिले, ये नहीं आएंगे, तो ये वाला जो है वो आंकड़ा आप जो है वो छोड़ दीजिए यहाँ। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में आपको दो तीन चीजें पता होना चाहिए। जैसे वो ये बता रहा है कि भाई जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें जून से सितंबर तक अतिवृष्टि बाढ़ से, यानी ग्वालियर चंबल संभाग, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, यहाँ पर, यानी इन क्षेत्रों में वर्षा क्या हुई, ज्यादा, इन क्षेत्रों में वर्षा हुई तभी तो क्या हुई, अतिवृष्टि हुई, ठीक है, और बाढ़ आई। तो जनरली दिमाग कहाँ जाता है कि खूब बाढ़ आएगी, अतिवृष्टि होगी, तो कहाँ दिमाग कूदता है हमारा, या तो हम मंडला बालाघाट लगाते हैं, क्योंकि मानसून क्या होता है वहीं से एंटर होता है, या हम उधर चले जाते हैं बड़वानी वाली बेल्ट के ऊपर, होशंगाबाद हरदा वाली बेल्ट पर। लेकिन ये आपको याद रख कि पिछले साल इन जगहों पर, और ये तो खैर सबको याद ही होगा जो उस बेल्ट का होगा, चंबल ग्वालियर वाला, खूब बाढ़ आई है, खूब देखा होगा, एक से एक पुल बह गए, है कोई, तो ये अपने को याद रखना है, बस ये एक याद, बाकी कुछ जो है वो अपने लिए जो है वो काम का नहीं।
फिर सीधे अगर कहा जाए शहरी और ग्रामीण विक्रेताओं को आर्थिक सहायता, तो ये अभी हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे देखेंगे इसको। यहाँ पर कृषि क्षेत्र में जो है जीडीपी को देखें यहाँ पर, तो ये अगर कहा जाए ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन में, आप सकल मूल्य वर्धन जब भी बोलूंगा तो क्या बोलोगे, इंग्लिश में क्या दिमाग में रखोगे, जीवीए, क्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए 2021-22 में त्वरित अनुमानों के अनुसार 26% जो है वो 0.6% जो है वो योगदान रहा। केवल कृषि की बात कर रहे हैं, पूरे प्राथमिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं कि आप सोचो कि अरे वहां तो अपन ने कुछ आंकड़े और पढ़े थे, यहाँ कुछ और पढ़ रहे हैं, नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में केवल जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान इतना रहा। तो ये एक आंकड़ा जो है वो आप याद रखिएगा, सकल मूल्य वर्धन के अनुसार 2021 में कृषि का जो है वो अनुमान कितना रहा। अभी कोई काम का नहीं है, सीधे अपन आगे बढ़ेंगे। अगले पे आ जाते हैं, कृषि विकास से संबंधित योजनाओं पर, एक मिनट है ना, इसको स्क्रीन कर दे। अब कृषि विकास से संबंधित योजनाएं जो है उसमें आपको कोई ज्यादा योजनाएं तो याद नहीं रखना, 2-3 चीजें जो है वो आपको याद रखना है। पहला कि 2021-22 के दौरान, नवंबर 2021-22 तक मध्य प्रदेश में औसतन अगर कहा जाए 18.06 लाख मैट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया है, जबकि 2020-21 में 29.946 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों का जो है वितरण किया गया था। अब इससे समझो दो चीजें, एक तो आपने देखा होगा कि फर्टिलाइजर हम ज्यादातर क्या करते हैं, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी किल्लत तो होती है। दूसरा, फर्टिलाइजर के ऊपर सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है, तो ये तो साफ है कि इस साल 2020-21 में आपने ज्यादा फर्टिलाइजर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, 29 लाख मैट्रिक टन लगभग, और 21-22 में जो है वो आपने जो है वो 18.06। हालांकि ये बढ़ भी जाएगा क्योंकि इसमें जो है वो पूरे कितने समय का आंकड़ा है, पूरे साल का आंकड़ा है, जबकि इसमें किसका आंकड़ा है, केवल और केवल 3 quarters का, तीन शुरू के 3 quarters का है, तो 1 quarter और जोड़ दो अगर इसको अपन 3 quarter में अगर मान के चलिए 6 से ही मान लें 6 3 18 लाख मैट्रिक टन, तो 18 में या 6 जोड़ दें अपन तो 20 और 4 24 यानी 25 जो है वो लाख मैट्रिक टन के आसपास जो है वो पहुंच जाएगा। तो ले देकर ये साफ हो रहा है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा अभी आपने 0 budget फार्मिंग की जो है वो अवधारणा सुनी होगी, क्या बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, खाद का उपयोग कीजिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसी जो तकनीक है जिससे कि आपकी जो है वो पैदावार तो बढ़े प्लस आपकी लागत क्या हो जाए। किसान की आय को दुगना करने का मतलब ये नहीं है कि पैदावार से उसकी आय दुगनी होगी, वो संभव ही नहीं। आय दुगनी तभी होगी किसान की जब आप उसकी लागत क्या कर दोगे, इनपुट कॉस्ट को कम करना है। तो इनपुट कॉस्ट उसकी सबसे ज्यादा 3 चीजों पर जाती है, पहली उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, दूसरी कीटनाशक, ये यहां पर, और तीसरी जो है अगर कहा जाए महंगे बीज, जो जीएम सीड्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स 25-25, 50-50 हजार रुपए किलो तक आते हैं कई सीड्स तो, और लगाने के बाद मौसम ने साथ नहीं दिया तो बर्बाद। तो हमको इनकी जो कॉस्ट है उसको कम करना है। तो इस तरह फिर अपन आते हैं इसके बाद जो है वो उद्यानिकी यानी गार्डनिंग के ऊपर जाते हैं यहाँ पर, जैसे हालांकि उद्यानिकी को आप जो है वो हॉर्टिकल्चर याद रखिए ना, टेक्निकली इसको क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर, जितने भी फूल पौधे साग सब्जी फल आदि आते हैं वो सब हॉर्टिकल्चर में। तो हॉर्टिकल्चर भी हमको ये बता रहा है कि 2020-21 में मध्य प्रदेश के अंदर टोटल साग सब्जियां जो थी, ठीक है, और जो है साग सब्जी फसलों का उत्पादन कितना हो गया, 207.43 लाख। इसमें 2020-21 के आंकड़े याद रखिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए कि 2020-21 में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स थी उनका उत्पादन हुआ 207.43 लाख, फलों का उत्पादन हुआ 84.81 लाख, और मसालों का उत्पादन हुआ 46.75 लाख। अच्छा, अब एक समझ आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यार इसमें जो है वो अग्रिम वाली बात क्यों नहीं की गई। इसमें अग्रिम वाली बात इसलिए नहीं की गई भाई क्योंकि कई फसलें और कई सब्जियां साल के इस मौसम में आती। अभी आप सोचो, दिमाग लगाओ,
अभी इस समय आप बाजार जाते हो, अंगूर खा रहे हो, अंगूर खूब आ रहे हैं, क्या आप तीन महीने के बाद वो अंगूर मिलेगा? या चलो ठीक है ऐसे समझो, अभी अभी आपको क्या पूरे बाजार में आम मिलेगा? नो सर, नहीं मिलेगा। तो ये जो उद्यानिकी वाले आंकड़े ना, इसमें ऐसे आंकड़े नहीं आएंगे 2020-21 के कि अनुमान लगा लिया। अनुमान थोड़ी लगाएंगे कि पेड़ पे कितने आम लगने वाले हैं इस बार, वो कोई अनुमान नहीं। इसीलिए इसके आंकड़े तो फिक्स हैं कि टोटल साग सब्जी से हमने 207 लाख मैट्रिक टन इसका उत्पादन किया। फलों का उत्पादन जो है वो हमने 84.81 लाख मैट्रिक टन किया। जितने हमारे स्पाइस हैं या मसाले हैं उनका उत्पादन हमने 46.75 लाख मैट्रिक टन किया, और जो फ्लावर्स हैं उसका उत्पादन हमने 4.1 लाख मैट्रिक टन किया। यानी अब आपके दिमाग में सेट हो गया कि जो हॉर्टिकल्चर है उसमें सब्जियां आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, मसाले आ रहे हैं। अभी कौन कौन से मसाले नीचे वो लिस्ट दी है पूरी इसमें, लेकिन ओवरऑल और फ्लावर्स आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा हम उत्पादन किसका कर रहे हैं? साग सब्जी का। तो अगर हम साग सब्जी से संबंधित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अगर बढ़ाएं तो किसानों की आय को हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं, सोचो। यानी सरकार को फूड प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा किस पे काम करना चाहिए? साग सब्जी के ऊपर काम करना चाहिए, और दूसरा किसके ऊपर काम करना चाहिए? फलों के। इसीलिए आप देखो वो कि अभी जैसे ऐसे समझ लो, बहुत सरल, इस क्लास में फूड प्रोसेसिंग का कोई प्रोडक्ट किसी ने खाया ना हो, मान लेता हूं, लेकिन एक प्रोडक्ट सबने सुना होगा, वो है सफल की मटर। देखी होगी, है देखी होगी ना, एक सफल करके कंपनी आती की मटर आती है। यस सर, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात बना का प्रोडक्ट है वो, मदर डेयरी से जुड़ा हुआ। तो यहाँ साग सब्जी का हमारे यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, फिर फलों का उत्पादन हो रहा है, मसालों का। ये देखो मेंस में ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिखे जाते हैं एमबीपीएससी में या किसी भी एग्जाम में, अगर आपको हेल्दी नॉलेज चाहिए कि भाई हम किन, जैसे आपको एक टॉपिक है एमबीपीएससी प्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो मध्य प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम किस पे करना चाहिए? इस सेक्टर के ऊपर, फिर इस सेक्टर के ऊपर, फिर इस सेक्टर के ऊपर। ये तो सबसे बाद में हम इसके ऊपर काम करें, ठीक है। फिर अगर आगे आ जाते हैं, इरीगेशन पे आ जाते हैं, बड़े आगे। यस सर, सिंचाई जो है वो अगर देखा जाए यहाँ, तो सिंचाई में जो बुनियादी रूप से अगर देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर 2019-20 में जो टोटल नेट इरिगेटेड एरिया है, ठीक है, वो कितना है? 12,515 हेक्टेयर, जो पिछले साल की तुलना में 11,356 हेक्टेयर की तुलना में अधिक। इस प्रकार ये समझ पड़ा कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार इरिगेटेड परियोजनाओं और इरिगेशन के ऊपर काम कर रही है। इस साल के बजट में भी 40 जो है वो छोटी बड़ी परियोजनाओं के लिए फंड है। तो हमारे यहाँ जो है वो, हमारा राज्य तो नदियों का मायका है, अगर हम इरिगेशन पे काम ना कर पाए तो क्या, फिर तो बात ही कुछ बदल जाती है। तो हम डैम बनाकर इरिगेशन में, हालांकि याद रखिएगा तीन चीजें आती हैं, नहर, कुएं और नलकूप, है ना, एक नलकूप, ये मूल इरिगेशन के हिस्से में आते हैं, इन्हीं से हम सिंचाई करते हैं। चलिए अगले पे आते हैं, मत्स्य उत्पादन। ये एक अच्छा सेक्टर बन रहा है मध्य प्रदेश के। हमारे पास कई नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, नर्मदा है, सोन है, चंबल है, ताप्ती है, और इन नदियों में जो है वो यहाँ मत्स्यन की संभावना भी अपार है। प्लस हम जो है वो किसानों से पौंड या तालाब बनाकर भी जो है वो मत्स्यन करवा सकते हैं। तो तेजी से इसमें हम बढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बता रहा है कि 2020-21 के त्वरित अनुमान में 24.02% की वृद्धि हुई। इसीलिए आपने देखा होगा फिशरमैन स्कीम, पिछले जब बजट पढ़ाया था याद करो, फिशरमैन के लिए सबसे ज्यादा फंड सैंक्शन कर दिया एग्रीकल्चर में दूसरा। प्लस अभी अपन ने देखा कि फिशरमैन के लिए क्रेडिट कार्ड भी दे रही है सरकार, ठीक है। यहाँ तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें फिगर नहीं आएंगे कितना जो है वो मछली का उत्पादन हो रहा है, ये सब जो है वो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मत्स्य उत्पादन है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो देखी गई, जो कि त्वरित जो है वो अनुमानों के आधार पर 24.02% है। बस इतना याद रखिएगा। यहाँ अब आते हैं वानिकी। वानिकी का मतलब होता है फॉरेस्ट्री इंग्लिश। फॉरेस्ट्री भी आपने देखा होगा, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं।
हमारे यहाँ दो तीन प्रोडक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉरेस्ट्री से जुड़े हुए। एक तो आपको मालूम होगा कि बांस, दूसरा आपको मालूम होगा तेंदुपत्ता, तीसरा लाख, चौथा अगर अपन बात करें तो अचार, चिरौंजी, सुना होगा कि नहीं सुना। और फिर उसके बाद अगर कहा जाए कि सागौन, शीशम आदि लकड़ी, ये सब हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हम प्राप्त करते हैं। तो ये साफ आ रहा है कि जो 2020-21 में ये वाला लिखे हैं कि 2020-21 के त्वरित अनुमानों में मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन वो जीवीए में जो फॉरेस्ट्री है उसका अंश 2.2%। यानी किसके अंतर चला गया, अगर कोई पूछेगा ये 2.2% किसके अंतर्गत चला गया? सर प्राइमरी जीडीपी के अंदर। मत बोलना बेटा अब इसके बाद, आप है ना, आपका माइक साफ नहीं चल रहा, तो आप बिल्कुल, जो वो बच्चा ना आंसर करे जिसका इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, ठीक है, फिर वो रिकॉर्डिंग सुनने वाले बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है सामने। जीडीपी के प्राइमरी सेक्टर में अभी इससे ऊपर अपन क्या ले चुके थे, लगभग 26% कृषि, अपन आ गए क्या 2.22% वानिकी। यानी ये याद रखना कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही जो है वो वानिकी आएगा, तो अच्छा है। हालांकि इसको और हम बढ़ा सकते हैं, इसीलिए बढ़ा सकते हैं कि भारत में अगर हम टोटल एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र हमारे पास, परसेंटेज वाली बात नहीं कर यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है, अपना कैमरा बंद कर लो सुबह। तो ये एक जो है वो बुनियादी जो है वो बात निकल कर आती। अब आते हैं उद्योग के ऊपर, ये प्रश्न के ऊपर आईएमपी कर लेना सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो व्यापम हो चाहे कुछ। 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो 10.59% है, हेल्दी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। क्योंकि अगर आप जीडीपी में अगर कोर सेक्टर्स को देखोगे, भारत सरकार के आंकड़े देखोगे, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आपको अच्छी नहीं मिलती है, हमारी तो बहुत अच्छी। तो 10.59% हमारी जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है। इससे सिद्ध होता है कि लगातार हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमेशा ध्यान रखिए, प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जब तक काम नहीं आ सकते जब तक द्वितीयक क्षेत्र को नहीं बढ़ाओगे। एक किसान ने गेहूं पैदा किया और एक सांची के पार्लर वाला जो है वो ब्रेड बेचने के लिए और दूध बेचने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक ब्रेड बनाने का प्लांट और दूध के पैकेट्स तैयार करने का सांची प्लांट ना हो, तब तक ये दोनों लोग अपने उत्पाद को हम तक नहीं पहुंचा सकते। आप सीधे गेहूं नहीं खा सकते और वो सेवा तभी देगा ना जब आप उस चीज को खरीदोगे। इसीलिए जब वो गेहूं किसी प्लांट में जाएगा और वहां जब उससे ब्रेड बनेगी और फिर वो ब्रेड कोई दुकानदार बेचेगा तब वो हम तक आएगी। तो वो दुकानदार सेवा क्षेत्र हो गया, वो ब्रेड जो है वो मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल हो गया, उसमें लगा हुआ गेहूं या जो कच्चा माल है वो प्राइमरी सेक्टर। इसीलिए सरकार का उद्देश्य हमेशा होता है कि वो सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट करे। हमारा सेकेंडरी सेक्टर ही इकोनॉमी में कमजोर है। आपको आश्चर्य होगा, देश स्वतंत्र हुआ तब भी हम सेकंड पे थे, आज भी हम सेकेंडरी सेक्टर में ओवरऑल एमपी की बात नहीं करें, इकोनॉमी में दूसरे नंबर पे है बेचारा सेकेंडरी सेक्टर। इस सेकेंडरी सेक्टर को जो है वो हमको बढ़ाना है। अब वो बढ़ाने के लिए सरकार मेक इन इंडिया और दुनिया भर की योजनाएं तो अभी चला ही रही है, लेकिन ये तभी ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा जब तक हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को खरीदने की आदत नहीं डालें। स्वदेशी वस्तुओं के उत्पाद को खरीदने के ऊपर जोर दीजिए, खुद ब खुद जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ओवरऑल। तो हमें समझ पड़ गई कि ये उद्योग का 50.59% जो है वो कंट्रीब्यूशन है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आएगा ही आएगा। फिर उसमें भी वो ये बता रहा है कि अगर हम इसके अंदर छोटे छोटे जैसे एमएसएमई की बात करते हैं ना, एमएसएमई का मतलब समझते हो ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इनको माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के। और ये याद रखिएगा, आप सबको एक क्वेश्चन टाइप करना है एमएसएमई न्यू डेफिनेशन। तो भारत सरकार ने एमएसएमई की जो है वो नई डेफिनेशन तय कर दी है जो है वो। इसमें अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको एमएसएमई कि किस सेक्टर में एमएसएमई का कितना परसेंट है, तो हमारे 10 से 15 मिनट क्या हो जाएंगे, खराब। इसलिए आप एमएसएमई की वेबसाइट के ऊपर जाइए, उसमें देखिए कि माइक्रो सेक्टर के लिए क्या प्रोविजन कर दिए गए हैं बदल के। अब
माइक्रो के बाद जो है वो आपके मीडियम के लिए क्या कर दिए गए हैं और जो है वो आपके स्मॉल के लिए क्या कर दिए। थोड़ा सा हालांकि मैं जरूर बता देता हूँ, अब जो नए आंकड़े हैं उसमें माइक्रो को जो है जनरली अगर कहा जाए कि जो एनुअल टर्नओवर की जो है वो बात की गई है, वो मतलब माइक्रो को जो रख दिया गया, उन्होंने कहां से कहां तक रख दिया, 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में माइक्रो को कर दिया माइक्रो। फिर अगर कहा जाए स्मॉल के अंदर उन्होंने 10 करोड़ से 50 करोड़ वाला फिगर रख दिया, और जो मीडियम है उसमें 50 करोड़ से 250 करोड़ को रख दिया। इस तरह से उन्होंने क्या करा कि एनुअल टर्नओवर के हिसाब से एमएसएमई को जो है वो अभी 2020 में बदल दिया। तो ये याद रखिएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट का, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर कहा जाए 1 करोड़ और टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो इंडस्ट्री में आ रहे हो। इन्वेस्टमेंट अगर आपका 10 करोड़ है और टर्नओवर आपका जो है वो 50 करोड़ तक है तो आप स्मॉल इंडस्ट्री के अंतर्गत आओगे, स्मॉल कहलाओगे स्मॉल। और अगर आपने निवेश किया, जैसे आज मान के चलो मैं कोई प्लांट लगाऊं और मेरा निवेश कितना हो 50 करोड़ और टर्नओवर मेरा कितना हो जाए एनुअल, ठीक है 250 करोड़, तो मुझे क्या माना जाएगा, कैसा उद्योग माना जाएगा? मीडियम इंडस्ट्री, यानी मध्यम उद्योग माना जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हम ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की बड़ी भूमिका है, यही उद्योग तेजी से जो है वो बढ़ रहा है, और इन्हीं उद्योगों में जो है वो आंकड़े जो है वो मतलब इन्हीं उद्योगों की संख्या भी क्या हो रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, इसको पूरा आंकड़ों को तो आप याद नहीं रखिएगा, केवल दो जो है वो याद रखना है कि जून 2020 तक मध्य प्रदेश में 0.31 लाख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई, ये आपको याद रखना है। ये आ गया समझ में कि वर्ष 2020-21 में जून 2020 तक 0.31 लाख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है वो हमारे यहाँ स्थापित हुए। इनमें तेजी से अब हम बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अर्थव्यवस्था को कम से कम तेजी जो है वो मिले। फिर अगले आते हैं खनिज। तो खनिज में अगर कहा जाए कि त्वरित मूल्य के ऊपर हमने कितना ग्रोथ करी, 3.24%, और प्रचलित भावों में हमने कितनी ग्रोथ करी जो है वो 2.70%। ध्यान से समझना फिर से इसको, प्रश्न ये वाला आएगा कि 2020-21 के त्वरित अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश में खनिज जो है उसमें कितने प्रतिशत की जो है वो वृद्धि हुई, तो ये 3.00, और खनिज भी कौन से उसमें आएंगे सेक्टर में जीडीपी के, प्राइमरी में ही आएंगे ना। मिनरल्स भी किसका हिस्सा है, प्राइमरी का ही जो है वो हिस्सा है, ये एक जो है वो आपको याद रखना। फिर सीधे आ जाते हैं ऊर्जा यानी बिजली। तो कोशिश करिएगा जब आप ये रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगा अभी, इसमें से ये वाला या आप मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट से फाइल उठा भी सकते, इस आंकड़े को आप अच्छे से जो है वो नोट करें, रोक कर कर लें। पहला अगर कहा जाए कि ये साफ है यहाँ कि भाई वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल विद्युत प्रदाय यानी 80,909 मिलियन यूनिट किया गया, ये पहला हो गया। इसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो है इंदिरा सागर परियोजना से 2758 मिलियन यूनिट, सरदार सरोवर से 1808 मिलियन यूनिट, और मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी के द्वारा जो है वो प्रदत्त 21,917 मिलियन यूनिट। इस तरह से मध्य प्रदेश में तीन तरह से हमें बिजली मिल रही है। ये तो जल विद्युत है, इंदिरा सागर सबको मालूम होगा, इंदिरा सागर भारत की सबसे बड़ी क्या है, एनएचपीसी की, अरे इंदिरा सागर सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इंडिया का, एनएचपीसी का, जिससे 1,000 मेगावाट जो है विद्युत का उत्पादन होता है। इससे बड़ी कोई परियोजना एनएचपीसी की है ही नहीं जो है वो, याद रखिएगा भारत सरकार के पास, ठीक है। और ये जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की योजना नहीं है इंदिरा सागर डैम, और इंदिरा सागर डैम को इतने विवाद है उससे जुड़े हुए, तो कम से कम इंदिरा सागर के बारे में तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए। किसने उद्घाटन किया था इंदिरा सागर का, इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी, इसलिए याद रखना, इंदिरा गांधी अक्टूबर में ही आई थी यहाँ, 23 अक्टूबर को उसका उद्घाटन हुआ था 1984 में, और 31 अक्टूबर को तो इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई
असैसिनेशन, उनका असैसिनेशन हो गया। तो ये याद रखना कि जो इंदिरा सागर प्लांट है वो हिंदुस्तान में 125 मेगावाट की 8 यूनिट है। इसमें इस प्रकार कुल विद्युत उत्पादन कितना करता है ये जल विद्युत से, 1000 मेगावाट आ गया। नहीं तो तुम लगाया हो सरदार सरोवर जो है वहां पर। ओवरऑल तो हमें तीन तरह से, एक तो मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी के द्वारा सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है, डैम्स में अगर हम बात करें तो सरदार इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। टोटल विद्युत का उत्पादन कितना है, किस सेक्टर्स में हो रहा है, उसके लिए हम विद्युत नाम का जो टॉपिक अलग से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी ओवरऑल जो है वो इतना जो है वो हमको पता होना चाहिए। नीचे अभी हम देखेंगे इसकी खुद उन्होंने सेक्टर वाइज ये बताया है कि किस सेक्टर में कितना जो है वो विद्युत का जो है वो कंजम्पशन हो रहा है, तो ये अभी हम देखेंगे उसमें। तो ये वाला छोड़ दो, परिवहन वाला छोड़ दो, इसमें कोई काम का नहीं है, ये सब छोड़ दो। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ये बजट में भी है, आपको सबको मालूम होगा कि नवंबर 2021 तक 8379 या 8379 ग्रामों को मुख्य नगरों से या मुख्य नगर गलत बोल गया, मुख्य मार्गों से जोड़ा गया। वे जो है वो आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला आंकड़ा आपसे पूछेगा और ये नीचे अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी जब ये पूरा आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो लोक निर्माण विभाग वाली जो सड़क वाला जो है वो ये भी आपको अलग से पढ़ाऊंगा पूरा के पूरा, तो वहां अपन इसको करेंगे। यहाँ पर ये पंजीकृत वाहन भी वहीं देखेंगे ये। अब ये तो हाँ, अब शिक्षा के ऊपर आ जाते हैं, शिक्षा वाले को देख, ये सब अभी हम नीचे जो मेन फाइल है उसमें पढ़े। शिक्षा में जो है दो तीन चीजें यहां भी लिखी हैं और नीचे अलग से उन्होंने जो है वो प्राइमरी मिडिल एजुकेशन के लिए अलग से एजुकेशन का एक पूरा। देखो एक चीज मैं आपको यही दिखा देता हूँ, ये जो फाइल है ना, ये फाइल उन्होंने दो तरह से बनाई। पहली उन्होंने जो फाइल बनाई है वो ऊपर उन्होंने एक टेंटेटिव बता दिया कि भाई ये हम लोगों ने इस सेक्टर में इस तरह से ग्रोथ, और नीचे उन्होंने क्या करा सेक्टर वाइज जो है वो बात करी। सेक्टर वाइज जैसे सामने लिखा है सपोज मान के चलो शिक्षा, तो आप जब इस फाइल में नीचे जाओगे, देखो मैं दिखाता हूँ, इसी में दिखा देता हूँ अभी कौन सा पेज है, पहले याद रखें अपन, नहीं तो वापस आने में दिक्कत होगी अपने को। इस चल रहा है तो अपन चलते हैं सीधे, अब अपन चले गए सीधे यहाँ पर शिक्षा के ऊपर। तो शिक्षा जो है वो यही नीचे कहीं 115-120 पेज पे शिक्षा है, जिससे आपको समझ पड़ेगा हमको दो नजरिए से पढ़ना है ये। अब ये सामाजिक क्षेत्र में जो है वो उन्होंने नीचे शिक्षा की व्याख्या अलग कर, तो अब आपको यहाँ देखो यहाँ आंकड़े मिलेंगे पूरे। आ गया समझ में भाई, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, समग्र शिक्षा, ठीक है, शालाओं की संख्या कितनी है, नामांकन कितने हैं, प्राथमिक शालाएं कितनी है, वहां बालक बालिकाएं कितनी है, ये सब नीचे उन्होंने अलग से जो है वो पूरा के पूरा इसके अंदर डाला। तो दो नजरियों से पढ़ना पड़ेगा इस इकोनॉमिक सर्वे, एक ऊपर के आंकड़ों के हिसाब से, इसलिए ये एक लेक्चर में तो कभी हो ही नहीं सकता। पहले अपन ऊपर वाला पढ़ रहे हैं तो उसको पहले खत्म करें फिर नीचे वाले पे। तो पहला आ गया शिक्षा, यहाँ पर अगर कहा तो शिक्षा में अपने को दिख रहा है कि 2000 जो अगर 11 के जनगणना को देखें तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, 69.3%। अब ये तो साफ है कि 2021 की जनगणना हुई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए हमारा जो लिटरेसी रेट क्या होगा, बढ़ेगा या बड़ा ही होगा, तो उसके आंकड़े उन्होंने जो है वो नीचे रखे हुए, वो आंकड़े अभी हम नीचे जो है वो देखेंगे। अभी हमारे काम का है ये वाला आंकड़ा 2020, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ भी चुकी है एक बार, आप 7-8 साल पुराना पेपर देख लीजिएगा, व्यापम में, कांस्टेबल में भी आ चुका है, सब इंस्पेक्टर में भी आ चुका है, एमबीपीएससी में भी आ चुका है, तीनों में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए इसके आंकड़े अच्छे से याद रखें। 2020-21 की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर 63,068 जो है वो शासकीय प्राथमिक शाला, 26,000 शासकीय माध्यमिक शाला, ठीक है, ध्यान रखना, यानी जो प्राइमरी जो स्कूल है उनकी संख्या कितनी है, 63, और इनको फिर जोड़ के लिखोगे यहाँ पर कि हमारे पास जो है वो प्राइमरी जो है मतलब शासकीय जो प्राथमिक शालाएं जो है वो 63,000 है, शासकीय माध्यमिक शालाओं की संख्या जो है वो 26,000, और इन शालाओं के अंदर जो नामांकन है, ये नामांकन आपको जो है वो याद नहीं, ठीक है, ये नामांकन जो है वो कोई काम के,
फिर सीधे जाना है आपको किसमें, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी। तो हायर स्कूल और हायर सेकेंडरी कितने यहाँ पर अगर कहा जाए संख्या 17.85 ठीक है 85। तो प्रश्न कैसे आएगा, मध्य प्रदेश में स्कूल जो जो है वो शालाओं की संख्या कितनी है, तो अपने पास कितने आंकड़े हो गए, एक हो गया 63.68, दूसरा इसी में अपन ने क्या जोड़ लिया यहाँ पर 26.00, तीसरा इसमें जोड़ लिया अपन ने 17.85। इन तीनों को आप जोड़ लो, ये 63, 26 और 17, मोटा मोटा माने तो 6 और 3, 9 और 7 कितने हो गए, 9 और 1 10 और 1 16, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, यानी यहां पर ये 1,00,000 से क्या हो गया ऊपर आंकड़ा पहुंच गया, 1,08,000 के आसपास पहुंच गया, तो ये अच्छा खासा है, तो लिटरेसी रेट भी बढ़ी हुई। तो ध्यान रखना हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या 17.85 हजार, और ये तो सबको याद रखना कि सबसे ज्यादा प्राथमिक ही होंगे, प्राथमिक से फिर कम क्या होंगे माध्यमिक होंगे, और माध्यमिक से कम क्या होंगे ठीक है वो हाई और हायर सेकेंडरी होंगे, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो शिक्षा जो साला त्याग करने वाले बच्चों की संख्या क्या हो जाती है बढ़ जाती है। 5वीं के बाद छोड़ दी, किसी ने 8वीं के बाद छोड़ दी पढ़ाई, किसी ने 12वीं के बाद छोड़ दी पढ़ाई, इस तरह से आगे, तो जैसे जैसे छोड़ेंगे वैसे वैसे संख्या कम होगी, तो वही चीज यहाँ पर जो है वो लिखी हुई। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो साला त्याग करने वाले बच्चों की या जो है वो संख्या है, 1 से 5 तक वाले जो साला त्याग करने वाले जो है वो बच्चे, ये देखा ना 1 से 5 तक छात्र तथा छात्राओं की साला त्याग करने की दर है 1.43 ठीक है और 1.26, ये ध्यान रखिए कि, और इसमें जो है वो बहुत अच्छी बात आपको क्या दिख रही है, ध्यान से देखो छात्र कितने त्याग रहे हैं 1.23%, 1.26, यानी पढ़ाई के मामले में आने वाले समय में अव्वल कौन होने वाली है, ठीक है ये ध्यान रखना प्राइमरी में, ये ध्यान रखिएगा प्राइमरी में। लेकिन सबको मालूम है कि हर गांव के पास क्या नहीं है, हायर सेकेंडरी, मिडिल स्कूल नहीं है, हायर सेकेंडरी तो बहुत आगे निकल गया, मिडिल स्कूल नहीं, इसलिए मिडिल स्कूल में ये आंकड़ा देखो जस्ट पलट गया, मिडिल स्कूल में लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई यहाँ पर। तो ये जो है वो आपको जो है वो याद रखना है, इससे सिद्ध होता है कि कल को कोई इंटरव्यू पूछ ले आपसे कि भाई आपको एजुकेशन पे, तो आपको कहना है कि भाई मिडिल एजुकेशन पे काम करो, हाई और हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे काम करो, जिससे बच्ची जो है वो कम से कम सुविधा से जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सके, क्योंकि गांव में सुविधा नहीं होती हर गांव में, और पास के गांव तक जाना हर बच्ची के लिए संभव नहीं होता, जिसमें सुरक्षा से संबंधित मुद्दे भी मायने रखते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। इसके कारण शाला त्यागने की दर जो है वो माध्यमिक स्तर पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार कई योजनाएं चलाती है, जैसे साइकिल देती है ठीक है, बच्चियों को पढ़ने के लिए योजनाएं चलाती है, जैसे गांव की बेटी योजना चल रही है, लेकिन फिर भी जब तक स्कूल नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता, तो इन स्कूल्स को हमको बढ़ाना है। तो निःशुल्क साइकिल वितरण वगैरह जो है वो इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर मान के चलिए 9वीं, देखो वो खुद अपना आंसर दे रहा है कि अगर प्रदेश में 9वीं में दूसरे गांव अथवा ऐसे मंजरे या टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किलोमीटर अधिक है अध्ययन जाने के लिए बालिकाओं और बालकों को निःशुल्क साइकिल वितरित की जाए। अब समझ पड़ा ना इसका मतलब, 8वीं तक तो आपको मिल जाएंगे स्कूल, लेकिन फिर आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में नहीं मिलेगा, और आपका स्कूल आपके गांव से 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो आपको निःशुल्क साइकिल जो है वो दी जाएगी। गांव की बेटी भी जो है वो इसी दिशा में है कि आप शहरों में जाना चाहती हैं, बच्चियां उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उनके लिए जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि सुविधा उपलब्ध कराती है, तो गांव की बेटी योजना, इसमें आंकड़ा जरूर याद रखिएगा कि 2021-22 में गांव की बेटी योजना के तहत 65,024 ठीक है 65.24 हजार छात्राओं को लाभ मिला है, छात्र मत लगा देना, गांव की बेटी योजना है उच्च शिक्षा के लिए, हाई जो है वो हायर एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन जिसको कहा जाता है ठीक है। तो ये बेसिक अगर कहा जाए, मेधावी छात्रों के लिए अभी लैपटॉप वाला तो सबको मालूम होगा, एक थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विद्यार्थी ने प्रश्न भी खड़ा कर दिया था कि उसके दोस्त के अंक उसके बराबर उससे कम आए थे,
और उसको जो है वो लैपटॉप नहीं दिया गया है ना, तो ये बात सच है। लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, हमारा उद्देश्य समाज को मूल भावना, यानी अगर कहा जाए कि जिसको कहते हैं ना कि मेन स्ट्रीम से जोड़ना, तो एक वर्ग विशेष जो है वो समाज की मूल धारा से नहीं जुड़ पा रहा, उसको जोड़ना अभी बहुत जरूरी है, अभी बहुत पीछे हैं हम, उसमें बहुत ज्यादा अभी भी समय जो है वो लगना है। तो वो जो है कदम जो है सरकार के जैसे अनुसूचित जाति जनजाति को दिया जाता है तो वो सही है, उसको गलत नहीं माना जा सकता, बिल्कुल सही है। अब तकनीकी शिक्षा, तो तकनीकी शिक्षा में आंकड़े तो जो है वो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, अगर कभी ऐसे रफली दिमाग में रखना हो यहाँ कि वर्ष 2021-22 में 1.85 लाख प्रवेश क्षमता का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, ये एक बस याद रखना है, आएगा नहीं कुछ भी। स्वास्थ्य वाला जो है वो जरूर आएगा, इसको आप आंकड़े को बहुत ही अच्छे से जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बनेगा। तो स्वास्थ्य में दो तीन चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। पहला, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2021-22 में 0 से 5 वर्ष तक के 1.10 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएगी, इसमें इनडायरेक्टली आपको एक और मैसेज चला गया, क्योंकि देखो जीरो से हमारा उद्देश्य क्या है कि पोलियो की खुराक कितने बच्चों को पिलाना है, 100% पिलाना। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भैया ये फिगर के इतने बच्चे हमारे पास होंगे इस फिगर, ठीक है, हालांकि आएगा नहीं, ये ध्यान रखिए। फिर सीधे जो है वो टीकाकरण वगैरह, इनमें से कोई प्रश्न जो है वो आपसे जो है वो नहीं पूछा जाएगा कि टीकाकरण कार्यक्रम में कितने डोज लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं। अब सीधे जो है वो आएगा यहाँ से एसआरएस के आंकड़े में आपको अलग से भी पढ़ा दूंगा यहाँ पर ये जो आंकड़े लिखे हैं मध्य प्रदेश सरकार के, इनको भी आप बहुत ही अच्छे से जो है वो याद कर लें। एसआरएस के आंकड़े, इनमें से भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो पूछे जाएंगे। पहले जो है वो एसआरएस जो है वो कितने बच्चे समझते हैं कि, एक तो क्या होता है ना सरकार के साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि वो कई चीजों को जो है वो समझाना भी नहीं चाहती कई बार, ठीक है। यहाँ पर एसआरएस समझते हैं कि नहीं समझते? चलो, एसआरएस का पूरा मतलब होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, है ना। कोई पूछेगा क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन, लिख दे रहा हूं यहां, सिस्टम। जब आप जनगणना की वेबसाइट पर जाएं, कभी भारत सरकार की सेंसस ऑफ इंडिया टाइप करेगा, वहां पर जो है वो ये आंकड़े आपको जो है वो मिल जाएंगे। और ये जो प्रक्रिया है भारत में 60 के डिकेट से जो है वो एसआरएस की चल रही है, मतलब उस समय से। इसमें जन्म है, मृत्यु है, ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए फिटल डेथ है, इन सब के जो है वो आंकड़े जो है वो शामिल किए जाते हैं। हमको पता चल जाता है कि भाई जन्म दर क्या है हमारी, मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, बाल मृत्यु दर क्या है, ये सब जो है वो आंकड़े इससे हमको पता चलते हैं। तो ये सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप पूरा ही पढ़ना चाहो, आपको कभी मन कर जाए कि हमको पूरा पढ़ना है, और जिनने अगर कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 12 पढ़ा होगा तो उसमें नगर निगम के पास एक काम होता है वाइटल स्टेटिस्टिक्स, सुना होगा, जन्म मृत्यु सांख्यिकी या समग्र, उसको भी एसआरएस से आप जोड़ सकते हो। और ये 2019 के बाद इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई एसआरएस की, ना सबसे आखिरी जो रिपोर्ट है कब की है, तो ये 3 नंबर मतलब प्री के लिए क्वेश्चन तैयार हो गया कि भारत में एसआरएस की जो रिपोर्ट आई है वो लास्ट रिपोर्ट कब आई है एसआरएस की, वो कब आई है 2019 में जो है वो लास्ट रिपोर्ट आई। तो ये भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप कहो तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाऊं एक सीन, इसका फोटो। यस सर, एक सेकंड रुकना ना, मैं स्क्रीन को एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। एसआरएस सेंसस, इसलिए बता रहा हूं कि आप जो है वो खुद सेंसस की वेबसाइट पर जाइएगा। और ये मैंने रिज्यूम कर दी स्क्रीन, अभी देखो दिखने लगी। यस सर, तो ये है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर इंडिया, ठीक है, यानी जनगणना आयुक्त का कार्यालय। इसके ऊपर जो है वो आपको बकायदा जो है वो इसके आंकड़े जो है वो मिल जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आप जब जाओगे तो इसमें सबसे लेटेस्ट आंकड़े आपको जो मिलेंगे वो कब के मिलेंगे, 2019 के, ठीक है। और अगर आपको देखना हो तो आप इससे इस तरह से जाइएगा, इसके ऊपर से रिपोर्ट खोलिएगा, ये रिपोर्ट आ गई एसआरएस
ठीक है, स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट 2019 के आंकड़े आपके स्क्रीन के ऊपर खुल चुके हैं। तो इन आंकड़ों को आप कभी अगर यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दे रहे हो या पीएससी का मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो प्रीवरी में जो है वो इतने आंकड़े जो है वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल बेसिक जो है वो चीजें जो है उसमें आएंगी। लेकिन क्या क्या चीजें आएंगी, पढ़ो बेटा पारुल यहां से अगर कहा जाए, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS स्टैटिकल रिपोर्ट 2019 कंटेन्स एस्टिमेट्स ऑफ वेरियस डेमोग्राफिक फर्टिलिटी एंड मोर्टैलिटी इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड थ्रू द SRS सैंपल सर्वे। SRS in India is one of the largest demographic survey in the world, covering about 8.2 million sample population. आ गया समझ में? तो इससे हम यानी जन्म दर, मृत्यु दर आदि के क्या करते हैं आंकड़े जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें समझ पड़ गया कि भारत सरकार के जनगणना कार्यालय के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। इससे ये समझ पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, जिसको अपन आम भाषा में इन्फेंट डेथ रेट के नाम से या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं, IMR, ये 48 प्रति हजार है। ध्यान रखना इसको जो है वो ये जो IMR होता है ये ध्यान रखना, IMR 0 to 1 year में ही निकलेगा पहले, तो ये याद रखना, यानी ईयर, ये भी प्रश्न आ चुका है व्यापम के कई एग्जाम में। दूसरा, ये कितने हजार पे निकाला जाएगा, हमेशा 1000 पर, है ना। कोई पूछेगा कि जो IMR है वो कितने हजार के ऊपर जो है वो निकाला जाएगा, तो 1000 के ऊपर निकाला जाएगा। IMR के अंदर केवल और केवल जो है वो एक साल तक की जो जन्म तक के बाद एक वर्ष तक की जो आयु होती है उसी को इसमें जो है वो शामिल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ? तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये शिशु मृत्यु दर पहले 48 थी, जो घटकर कितनी हो गई, 46 हो गई। क्योंकि आपको मालूम होगा ना, मध्य प्रदेश में कभी भी पड़ा होगा तो कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे शिशु मृत्यु दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमारे यहाँ क्वाशी ओरकर्स, मरास्मस, ठीक है, मेल न्यूट्रिशन के इतने केसेस हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इस दिशा में भी हमने ठीक ठाक जो है वो कदम जो है वो उठाया, ये आपको याद, ठीक है। तो ये एक आंकड़ा आपको ये याद रखना है कि SRS में शिशु मृत्यु दर जो है जो कि प्रति 1000 पर एक वर्ष की आयु की अवधि के दौरान जो है वो निकाली जाती है, उसमें मध्य प्रदेश में वर्तमान में ये 46 हो गई है। यही क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आएगा कि कितनी है, तो 46 हो गई है, बाकी तो आप जब सेंसस पढ़ोगे तो उसमें ये जो है वो पूरे आंकड़े जो है वो आपको पढ़े। बाकी ये गहन चिकित्सा इकाई वगैरह हमारे कोई काम की नहीं, हम इसको छोड़ दें ना, ये हमारे लिए अभी कोई काम का नहीं है या इसमें कुछ जो है वो क्वेश्चन जो है वो नहीं आए। फिर सीधे जो है वो अगर टीवी कंट्रोल प्रोग्राम या छह एग्जैक्टली टीवी को ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं, तो उसमें भी हमको दिख रहा है कि 2020-21 में अक्टूबर 2020-21 तक 1.36 हजार नए छह रोगियों की खोज और उपचार किया जा रहा है। इससे सिद्ध है कि टीवी के केसेस मध्य प्रदेश में बहुत, ठीक है, कम नहीं होते यहाँ पर अगर कहा जाए तो। ये टीवी के केसेस को हमको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। इसके लिए जिसको भी कभी टीवी होती है आपके आसपास सोसाइटी, आप उसको ये जरूर कहिए कि वो डॉट्स का पूरा क्या करे, कोर्स कंप्लीट करे। उसका जो कोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, डॉट्स, ठीक है, वो पूरा कोर्स कंप्लीट करे, नहीं तो वो किसी ना किसी को खतरनाक टीवी दे देगा, जिसको अपन बोलते हैं MDRT, है ना, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस टीवी, ये, ठीक है, ये एक जो है वो अपने को याद रख। फिर आगे जो है वो बढ़ते हैं इसमें, बाकी तो हमारे कोई काम का नहीं, सीधे जो है वो पेयजल को भी छोड़ दें, रोजगार को भी छोड़ दें, रोजगार के क्वेश्चन तो जो है वो आएंगे ही नहीं आपको यहाँ, के बेरोजगारी दर कितनी वगैरह ये नहीं पूछेगा, ये बदलते रहते हैं आंकड़े, ठीक है, ये भी छोड़ दें। आर्थिक कल्याण को भी अभी हम छोड़ दें, दीनदयाल कौशल को भी छोड़ दें, ये सब क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये आंकड़े नहीं पूछे जाते, सीधे जो इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं हम उसके ऊपर जो है वो बात करें, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आ सकते। सीधे अब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं एक एक सेक्टर वाइज। तो ये एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, देखो ये जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इंदिरा पेंशन योजना,
हितग्राही ये सब नहीं आता। एग्जाम इसके ऊपर जो है वो फोकस ज्यादा जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो है वो ऐसे कोई आंकड़े नहीं होते कि भाई कितने जो है वो मुख्यमंत्री कन्या या दान योजना के तहत टोटल जो है वो कितने विवाह हुए, या मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत जो है वो कितने विवाह हुए, ऐसे आंकड़े जो है वो नहीं पूछे जाते जनक। इसीलिए अब हम सीधे जो है वो नीचे, हाँ ये वाला आंकड़ा जरूर याद रखिएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत सरकार ने जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 दिया उसमें भोपाल स्मार्ट सिटी को प्रथम और इंदौर स्मार्ट सिटी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ये आप आईएमपी करके कॉपी में लिख लें, और ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि भोपाल अपने इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए या कैमरा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए स्मार्ट सिटी, इंडिया की नंबर वन स्मार्ट सिटी बताया था, याद करो। यस सर, है ना। तो ये याद रखना कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में मध्य प्रदेश का भोपाल नंबर वन, इंदौर नंबर फोर, ये एक याद रखना। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण, ये तो अपने को पता ही है कि इंदौर हमेशा ही जो है वो बाजी क्या हो रहा है यहाँ पर मार रहा है, तो वो तो खैर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, वो छोड़ दें अपन। फिर सीधे जो है वो यहाँ पर आ जाए, मुख्यमंत्री तीर दर्शन योजना में कितना अमाउंट दिया गया, कहाँ कहाँ भेजा गया, ये कोई काम का, लेकिन कुछ जगहें इसमें जो है वो आती हैं। कैसे आती हैं? जैसे आपसे पूछ ले बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा किस जिले में स्थित है, अब वहां कंफ्यूजन हो गया बच्चे को कि भैया वो आगर मालवा में है कि जो है वो किसी और जिले में है, तो ऐसी जगहों के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो शिवपुरी एवं जिला आगरा आगर मालवा में माँ बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा, यहाँ पर अगर कहा जाए ये प्रस्तावित किया गया। रतनगढ़ का तो नाम सुना ही होगा दतिया में। यस सर, एक जब भी आप केस स्टडी पढ़ते हो स्टैम्प पैड की यानी भगदड़ की, तो रतनगढ़ माता मंदिर की भगदड़ का नाम तो सुना है, कभी पढ़िए पहले। अब तो केस स्टडी इतना नहीं रहा पीएससी में, बट पहले जो है वो केस स्टडी जो है वो पीएससी में आती। इस प्रकार ये कहानी जो है वो यहाँ से खत्म। अब कहानी जो है वो शुरू होती है सही तरीके से, मतलब ओवरऑल। तो ये बजट घाटा वगैरह जो है वो आपको नहीं आएगा, मैंने पहले भी ये पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ज्यादा इसके ऊपर अपन फोकस नहीं करेंगे। लेकिन एक एक दो दो पॉइंट जो जितना बताया उतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना, ठीक है, जितना बताया। तो सबसे पहले तो हमको ये समझ पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बजट घाटे हैं उसमें सबसे बड़ा बजट घाटा कौन सा है, राजकोषीय घाटा, और वो 4% से जो है वो ज्यादा है, ये ध्यान रखिए। अब ध्यान से समझिएगा, सीधे नीचे आ जाते हैं, यहां से कहानी अब शुरू होती है यहां से। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूरे आंकड़े अच्छे से समझना और अच्छे से सुनते हुए जो है वो पढ़ना। सबसे पहले जैसे प्रश्न कैसे आएंगे, एक में समझाऊंगा, ये आंकड़े आपको याद रखना है सितंबर 2021 की स्थिति में। पुराने बच्चों को एक फाइल बनवाई थी, याद करो, यहाँ ब्लैंक छुड़वाया था कि आपको आगे वाली फाइल में उसको अपडेट करना है, याद होगा किसी, तो उसी में जो है वो उसी फाइल में जो है वो उसको अपडेट जो है वो कर लीजिए। बैंक आपको मालूम है तीन तरह की बैंक की शाखाएं होती है, एक होती है रूरल, एक होती है सेमी अर्बन और एक होती है अर्बन। इसको आप अपने आज पासबुक में देख लीजिए, अगर आपकी बैंक की ब्रांच अर्बन होगी तो उसमें चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे, रूरल होगी तो ना के बराबर चार्जेस लग रहे होंगे, ध्यान रखना बहुत कम चार्जेस लगते हैं। तो इस तरह अगर हम तीनों को देखें, वर्तमान में मध्य प्रदेश में ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी, तीनों के अलग अलग आंकड़े जो है वो याद नहीं रखना। हमें ये समझ पड़ रहा है कि तीनों को मिला लें तो मध्य प्रदेश में जो कमर्शियल बैंक है उनकी संख्या क्या है, 5,419, कोऑपरेटिव बैंक है उनकी संख्या है 877, रीजनल रूरल बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनकी जो है वो अगर कहा जाए संख्या है 1,320, और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है उनकी संख्या है 389। ओवरऑल मध्य प्रदेश के पास जो है कुल बैंक है 8,047। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न ये, ज्यादा हमको किसको, अभी कमर्शियल बैंक से ज्यादा हमको किस पे बढ़ावा देना है यार, जिस राज्य की 70% से ज्यादा आबादी गांव में रह रही है उसमें आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या क्या करो, बढ़ाओ। तो क्षेत्रीय ग्रामीण और बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर तो हावी है यहाँ पर कमर्शियल बैंक, 5,419, ठीक है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो है वो 1,320, हालांकि ये भी मालूम होना चाहिए कि जो रीजनल रूरल बैंक है उसमें स्टेट
गवर्नमेंट और एक कमर्शियल बैंक की भी शामिल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक स्टेट बैंक, जैसे मान के चलिए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी उसमें जो है वो पेरेंट एजेंसी के अंतर्गत आती है, तीन लोग मिलकर बनाते हैं। ये मालूम है कि नहीं मालूम है? क्षेत्रीय जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कि नहीं मालूम? अरे मालूम है कि नहीं मालूम है? आरआरबी के निर्माण में या आरआरबी के गठन में तीन एजेंसी होती है, पता है कि नहीं पता? हाँ या ना बोल दो तुरंत। यस सर। ठीक, तीन एजेंसीज मिलके बनाती है ये, तो ये टोटल हमारे पास जो है वो बैंक हो गए 8047, ये याद रख। दूसरा जनधन योजना, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना तो कोविड के समय जो है वो सबसे ज्यादा चर्चित रही, और मैं समझता हूँ कि यूपी में इलेक्शन में भी एक जो है वो जनधन योजना बहुत एक इम्पोर्टेंट है। वित्तीय समावेशन एक शब्द होता है जिसको हम इंग्लिश में फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। इसका टेक्निकल मीनिंग होता है अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, यानी बहुत ही कम लागत पर अगर हम आम आदमी को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं तो उसी को टेक्निकली हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। उस फाइनेंशियल जो है इंक्लूजन की दिशा में ये जनधन जो है वो योजना सबसे अच्छी जो है वो योजना जो है वो मानी जाती है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना को हालांकि शुरू में तो जो है वो जरूर इसको जो है वो नकारा गया, लेकिन फिर बाद में जब कोविड के दौरान इस योजना का लाभ मिला, इसमें डायरेक्ट सरकार ने जो है वो अमाउंट क्रेडिट किया तो ये चर्चा में भी। तो 2014 में शुरू हुई यह योजना, अपने 6 साल में इसने जो है वो ये बता दिया कि हाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर सकती है, और इसमें आप सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में, तीनों में अपना क्या कर सकते हो, खाता खुलवा सकते हो। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जनधन अकाउंट केवल जो है सरकारी बैंकों में खुलते हैं। तो हमें ये समझ पड़ रहा है कि जनधन योजना के तहत मध्य प्रदेश में के लिए जो है वो अगर कहा जाए, या आप ये प्रधानमंत्री जनधन योजना में, तो ये एक आंकड़ा बस आपको याद रखना है यहाँ पर कि जनवरी 2022 तक यहाँ 368.82 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं और 289.12 लाख जो है वो जनधन कार्ड जो है वो जारी किए जा चुके हैं। अभी तो ये तो मालूम होगा ना, जनधन को अब किससे जोड़ दिया गया है? रुपे कार्ड, ठीक है, यहाँ पर जनधन को, हाँ, और जनधन को किससे और जोड़ दिया है? चलो कोई बात नहीं, आज होमवर्क है, ये सब अपने स्तर पे पढ़ेंगे। जेम पढ़िएगा, JAM, जेम योजना है, ट्रिनिटी बोलते हैं, सुना है कि नहीं सुना? यस सर। जनधन आधार मोबाइल, चीजों को क्या कर दिया, आपस में लिंक कर दिया। एक जनधन को यहाँ पर अगर ये एम लिखा है ना, वाई लिखा गया, एक जो है वो जनधन, जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार, एम फॉर मोबाइल, यानी जनधन अकाउंट को आधार से लिंक करके मोबाइल नंबर से जोड़ दिया, जिससे कहीं ना कहीं करप्शन कम होगा, प्लस डायरेक्ट बेनिफिट आपको सीधे कहां मिलेगा, अब आपके अकाउंट में, जो अकाउंट में नहीं मिल रहा था अकाउंट में मिलेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, जो आंकड़े भी अपन ने लिख लिए ये वाले है ना, बाकी छोड़ दें कितना क्या प्रीमियम हुआ, ये हमारे लिए कोई जो है वो काम के नहीं है, इनमें से कोई भी जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा। कुल जमा जो मैंने कहा, अगर कहा जाए, मैं वृद्धि जो है दिख रही है आपको 9.69, या अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं इसलिए उसको छोड़ दिया जाए, तो उसमें से जो है कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा सीधे यहाँ पर। ये भी हमारे लिए कोई जो है वो काम का नहीं है ना, कोई हमको बैंक में नौकरी थोड़ी करना है भी जाकर कि इसको जो है वो बैंकिंग के नजरिए से जो है वो पढ़ा जाए, सीधे जो है वो, यानी बस बैंकिंग में इतना ही याद रखना, बैंकिंग खत्म, बैंकिंग में, बीमा में कुछ काम का नहीं है, छोड़ दो उसको। अब सीधे आ जाएं भाव, खाद्यान्न, उपार्जन, वितरण, ये वाला, ठीक। अब इसमें भी जो है वो ज्यादा चीजें जो है वो आपको याद नहीं रखना, सबसे पहले तो आपको नीचे वाला जो है वो इसमें याद रखना है, यानी ये इसको अपन छोड़े यहाँ पर, सबसे पहले नीचे वाले पे जाए यहाँ पर कृषि, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे। उन्होंने उल्टा लिखा, पहले कृषि लिखना था फिर भाव, पहले खेती कराओ ना, फसल पैदा कराओ, फिर फसल के बाद आपने किस उसमें खरीदी, उपार्जन कैसे किया, नीचे आपका फसल है, ये प्रश्न जो है। तो याद करो, पिछली साल कोई बच्चा बोल रहा था, आया था ऐसा क्वेश्चन,
अभी शुरू में बोला 2016 की किस विकास दर पूछी थी। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वो पिछली बार की जब आप फाइल देखोगी तो उसमें 16 आएगा, अब ये जो है वो कितनी आ गई 16 की जगह इसमें 2018-19। ध्यान से समझना, कंफ्यूज्ड मत होना। यहां से जितने भी आंकड़े मैं बोलूंगा वो आंकड़े अच्छे से समझना। आंकड़े जो है वो ये यहाँ पर 2016-17 थे, अब वो जो है वो क्या हो गए यहाँ पर 18-19 हो गए और 20-21 हो गए। वो वाली फाइल भी मैं आप कहोगे तो आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको याद रहे कि हाँ ये पिछली बार जो है वो इस तरह से पूछा। तो 2018-19 में जो हमारी कृषि विकास दर थी वो माइनस में थी। माइनस में मतलब पिछले साल की तुलना में उस साल क्या हुआ होगा, उत्पादन कम हुआ। जबकि अभी अगर हम बात करें 2020-21 के अग्रिम अनुमानों की बात करें तो वो माइनस से निकलकर प्लस में कहां पहुंच गई है, 10.86। तो इसमें ये दो आंकड़े आपको याद रखना, पहला कि 18-19 में माइनस 1.84% था, जो 2020-21 में बढ़कर जो है वो 10.1, 2020-21 में जो है वो बढ़कर जो है वो कितनी हो गई 10.86% हो गई है अग्रिम। ये वाले आंकड़े दोनों, बाकी एक बार रफली चारों आंकड़े एग्जाम के पहले देख के चले जाना, पर आएगा यही, पर इस बार तो नहीं आएगा क्योंकि पिछली बार सेम क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं करेगा, ठीक है, मतलब सेम क्वेश्चन जो है वो रिवाइज जो है वो नहीं करेगा। अब वापस चले जाएं। सर एक बार ग्राफ दिखा दीजिए। हाँ बेटा ये देख लो ग्राफ, और जो है वो आप इसको जब भी मतलब जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे अभी इसके बाद क्लास के बाद, तो आप इसको स्क्रीन को रोक कर ऐसा कैसा डायग्राम बना लीजिए नंबर वन, या वेबसाइट पर जाइए मध्य प्रदेश सरकार की, वहां ये फाइल पड़ी भी हुई है, ठीक है, मतलब है वहां पर, वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको फाइल भेज भी दूंगा, बट आप रोक कर भी बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं उसमें। अब अगले पर आते हैं, यहाँ पर ये तो हो गई फसल की, अपनी ओवरऑल फसल है ना, किसी एक फसल की बात नहीं करें, ओवरऑल फसल। अब आते हैं मौसम और फसल की स्थिति में वर्षा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर आपको कुछ वर्षा की स्थिति दिख रही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि मध्य प्रदेश के अंदर जो वर्षा की स्थिति है वो औसत वर्षा कितनी हो रही है, 1024 मिलीमीटर हो रही, जो कि पिछले दो साल में कम हुई है, यानी 941, और ये हमने ऊपर जो है वो देख लिया तो फिर रिवाइज नहीं करेंगे। लेकिन यहां एक आपको आईएमपी चीज मिल रही है, वो ध्यान से देखिए। अगर हम टेक्निकली यहां पिछले चार साल के आंकड़े देखें 18, 19, 20 और 21, तो हमें ये समझ पड़ रहा है कि ओवरऑल जो वर्षा हो रही है वो सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो किस महीने में हो रही है, यानी ओवर एवरेज निकाल लें अगर चारों का तो सितंबर, यानी जब मानसून बिल्कुल जिससे उम्मीद ही खत्म हो जाती है तब जो है वो अगर कहा जाए बारिश। तो यहां आपको दिख रहा है कि जैसे 2021 में 941, ये आपको जो है वो दिख रहा होगा, यहाँ जो है वो सितंबर के अंदर जो है वो 971, फिर यहाँ पर जो है वो 1346, यहाँ पर ये अगस्त, इस तरह से जो है वो बारिश की स्थिति जो है वो अलग अलग मिलीमीटर में, मिलीलीटर जो है वो मीटर में आपको जो है दिखाई दे रही। यानी हमारे यहाँ जून में मानसून एंटर होता है, सबसे कम बारिश करता है, जून के बाद फिर जो है वो जुलाई में जाता है, जुलाई से फिर अगस्त में जाता है, अगस्त से फिर सितंबर में जाता है, इस तरह से चार महीने हमारे यहाँ बारिश जो है वो होती है। ओवरऑल केवल बुनियादी अगर देखा जाए तो पिछले चार सालों की स्थिति में बारिश की स्थिति बहुत अच्छी दर्ज नहीं, ये अपने को याद रखना। फिर सीधे जो है वो नीचे चले जाए वो भी याद रखना। अब आते हैं हमारी जो फसल है, 1000 हेक्टेयर में निकालते हैं इसको, है ना, जब भी आंकड़े आएंगे तो जो भी आप आंकड़ा लिखोगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 10,049, तो इसके आगे आप 1000 हेक्टेयर जो है वो का गुणा करेंगे तब आपको एक्चुअल प्रोडक्शन आएगा, नहीं तो ऊपर आप जब फिगर याद रखोगे तो 1000 हेक्टेयर में ही याद रखोगे। तो अब अगर हम फसलों में देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको दिख रहा है एक है अनाज, एक है दलहन, एक है तिलहन। अब अनाज को अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, सीरियल क्रॉप्स, सीरियल समझते हो, अरे गेहूं, चावल, ठीक है, मक्का, जौ, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, मेनली अगर कहा जाए जो गेहूं और चावल है ये दोनों ही किसके अंतर्गत आ जाते हैं, सीरियल ग्रेन के अंदर, सीरियल ग्रेन, सीरियल समझते हो कि नहीं समझते हो, कि सुना ही नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने तो सुना होगा सीरियल क्रॉप्स, यस सर, है ना। तो सीरियल क्रॉप्स मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम खाने में
सबसे ज्यादा जो अनाज इस्तेमाल करते हैं वो होंगे अनाज सीरियल। यानी हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों में गेहूं चावल जैसी फसलें ज्यादा होती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो हम क्या उत्पादन करते हैं, ठीक है, हम तिलहन उत्पादन करते हैं, तेल समझते हो, ऑयल सीड्स। और तीसरे नंबर पर हम क्या उत्पादन करते हैं, दलहन। अब प्रश्न कैसे आता है ये समझ और आएगा कैसे वो समझ, वो आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में कुल फसल क्षेत्र आच्छादन में सबसे अधिक क्षेत्र यानी 1000 हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्र आच्छादित है दलहन फसलों का, तिलहन फसलों का, अनाज फसलों का, ऐसे और एक आध कोई और दे देगा जायद फसलों का या कुछ डाल देगा। तो कौन सी फसलें हो गई, पहले हो गई अनाज, फिर हो गई ऑयल सीड्स और फिर हो गई, ठीक है, दलहन यानी पल्सेस, इंग्लिश में सीरियल क्रॉप्स, पल्सेस क्रॉप्स, ऑयल सीड्स क्रॉप्स, ठीक है, ऑयल सीड्स क्रॉप्स यहाँ पर। तो टोटल अगर देखा जाए 2021 के दौरान मध्य प्रदेश में 29,427 हेक्टेयर फसल आच्छादित क्षेत्र है। आच्छादित उत्पादन नहीं बोल रहा हूं, प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूं, तुम सोच लो कि प्रोडक्शन कितने एरिया पे लगाया आपने, ठीक है, आच्छादन का मतलब है कितने एरिया पर बोई गई। तो टोटल 29,427 हेक्टेयर क्षेत्र पर फसलें बोई गई, सबसे ज्यादा अनाज फसलें, फिर तिलहन फसलें, फिर दलहन फसलें बोई गई। दलहन फसलों में भी आपको याद होगा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चना ही होता है मध्य प्रदेश में, वो भी आएंगे नीचे। यहाँ अब उत्पादन में अगले पर आ जाए, उत्पादन में जो है वो कहानी क्या हो जाएगी, जस्ट पलट जाएगी। 2020-21 में कहानी जस्ट क्या हो गई, पलट गई। 17-18 और 20-21 के आंकड़े लगभग एक जैसे। अनाज का उत्पादन हमने सबसे ज्यादा किया, 53,884, ठीक है, 1,000 टन जो है वो हमने ग्रेन का प्रोडक्शन किया। किस ग्रेन का कितना किया वो भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन जहां हमने सबसे ज्यादा आच्छादित क्षेत्र कौन सा देखा था, दूसरे नंबर पे याद करो, तिलहन। तिलहन वो आप कहां पर आ गया, घटकर यहां पर तीसरे नंबर पर आ गया। दूसरा उत्पादन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, चाहे हम 17-18 की बात करें, ठीक है, चाहे हम 20-21 बीच के छोड़ दें अपन, क्योंकि या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, सब तो नहीं पूछ सकता। तो दलहन फसलों का उत्पादन 6,210 हजार टन हो गया इस बार के लिए, ये आपको याद रखना है पीएससी, ये आंकड़ा। अनाज फसलों का उत्पादन 53, ये मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तिलहन फसलों का उत्पादन, दलहन फसलों का उत्पादन, और ओवरऑल मोटा मोटा आपके दिमाग में खाका होना चाहिए कि अभी मध्य प्रदेश जहां है, मोटा मोटा बता रहा हूं, वहां आप लगभग कितना हमेशा याद रखोगे कि हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है वो कितने हजार टन का है, 65 औसत देख रहे हैं अपन भाई, ये 65 है, ये 66 है, तो औसत अपन ये मान लेना कि आप लगभग हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 65,000 टन के आसपास हमारा जो है वो 65,000 जो है वो टन के आसपास जो है वो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, या 65,921, ये हजार के बाद फिर 1,000 टन लगाना पड़ेगा, नहीं तुम पता चले इसी में टन लगा दो 1,000 छोड़ो, ठीक है। तो ये एक जो है वो बुनियादी। अब इनको तीनों को अलग अलग देखें, तो मैं नीचे जाऊं उसके पहले ही दिमाग लगाओ, सोचो सबसे ज्यादा कौन सी फसल पैदा कर रहे होंगे, थोड़ा सा 10-20 मिनट और चलेगी क्लास, ध्यान रखिए, मेन मेन चीजें खत्म करके क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या पैदा कर रहे होंगे हम लोग, गेहूं। तो जब हम यहाँ नीचे चले गए खाद्यान्न फसलों में, तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा खाद्यान्न हम किसकी पैदा कर रहे हैं, गेहूं। गेहूं के बाद हम क्या पैदा कर रहे हैं, धान। धान और फिर क्या कर रहे हैं, मक्का। ये आंकड़े कभी भी नहीं बदलाएंगे। यानी मध्य प्रदेश में टोटल जो सीरियल क्रॉप्स हैं या खाद्यान्न फसलें हैं, इंग्लिश वाले सीरियल क्रॉप्स लिखेंगे, उसमें हम 9,829,000 टन, ठीक है, 9,829,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं लगाते हैं, ठीक है, ये इतने क्षेत्र में गेहूं लगाते हैं, उसके बाद फिर हम धान लगाते हैं, उसके बाद हम मक्का लगाते हैं, ये लगाने वाला क्षेत्र, और उत्पादन भी हम इन्हीं का करते हैं। तो ये आंकड़े, ये वाले लगाने वाले याद नहीं रखना, सीधे उत्पादन पे आ जाना। तो उत्पादन भी हम सबसे ज्यादा किसका कर रहे हैं, गेहूं का, 6,569। दूसरे नंबर पे धान का आपको दिख रहा होगा 12,502,
और तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा मक्का। ओवरऑल एक चीज तो समझ पड़ गई है कि टेक्निकली देखा जाए तो आपका लगातार किसका उत्पादन बढ़ रहा है, धान, धान का, जो बहुत अच्छा भी है और बहुत क्या है हमारे लिए, धान का बुरा भी है सर, सिंचाई का भी। एक्चुअल क्या है, धान की फसल बहुत पानी चाहिए उसको, पहला था। दूसरा, जहां धान की खेती करी जाने लगती है वहां पर जो है वो मिट्टी दूसरी फसलों के लायक नहीं रह पाती कई बार, जो धान की खेती करते होंगे वो जानते हैं। तीसरा, कि धान में जो हम बायो फर्टिलाइजर डालते हैं वो सब किसान उपयोग ही नहीं कर पाते, जैसे एजोटा बैक्टर उसमें इस्तेमाल होता है बट किसानों को जानकारी नहीं होती। और पांचवा तो सबको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक गैस उत्तरदायी है जिसको अपन बोलते हैं, तो वो धान के लिए। तो ओवरऑल आपको दिख रहा है कि 17 से अगर हम क्रमबद्ध तरीके से देखें, बाकी में देखो ये देखो 48 से घट गया ना यहाँ पर उत्पादन, फिर यहाँ बढ़ गया और फिर यहाँ घट गया, ऐसे ही यहाँ पर आप देखो कि बढ़ रहा है लेकिन फिर यहाँ घट रहा है। ओवरऑल अगर हम टोटल प्रोडक्शन वाइज बात करें तो धान ही एक ऐसी फसल है जिसमें आपको गिरावट नहीं दिख रही, यानी लगातार उसका उत्पादन बढ़ रहा है, 13.20% उत्पादन हमारा बढ़ा। और गेहूं का उत्पादन इस साल 2020-21 का जो आंकड़ा है उसमें जो है वो -4.1% रहा, मतलब पिछले साल की तुलना में कम हुआ। इसके पीछे का एक तर्क और देख लेते हैं एक सेकंड के लिए, जिससे आपको इसका लॉजिक भी समझ पड़े कि ये क्या घट रहा है। उसका कारण यह है कि किसान खुद भी धान के उत्पादन की ओर बढ़ रहा, तो ध्यान से देखो धान का रकबा टोटल क्षेत्र आच्छादन, इन तीनों में सबसे ज्यादा धान का रकबा किस बढ़ा है, देखो। यस सर। जब धान का रकबा बढ़ा है, यानी पहले आप एक एकड़ में धान बोल रहे थे, एक किसान क्या गए कि भाई कितने एकड़ में धान बोते हो, गले साहब एक एकड़ में, अब कितने गले, 4 एकड़ में, तो भैया 4 में बो रहे हो तो उत्पादन तो बढ़ेगा ही ना। तो जब रकबा ही 10% बढ़ गया, ठीक है, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, इसलिए आप समझा तो नहीं सकते ना किसी को के। हालांकि धान से ये है ना कि भाई उसमें नुकसान बहुत कम है, 2-4 ही तो रोग होते हैं धान, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई रोग नहीं होते, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, एक ब्लास्ट करके डिजीज होती है, उसका तना जो है वो डैमेज हो जाता है, उसमें फसल खड़ी फसल घिर जाती है और फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाता उसका बीज। ओवरऑल वो तो कहानी है, लेकिन ये साफ है कि मध्य प्रदेश में ये आंकड़े याद रखना है आपको स्क्रीन के ऊपर कि गेहूं का उत्पादन 35,669 मैट्रिक टन, धान का 12,502 मैट्रिक टन, और मक्का भी अच्छी खासी बोई जाने लगी है, और ओवरऑल ग्रोथ हुई है 2.48 जो है वो प्रतिशत की। तो ओवरऑल तो ग्रोथ हुई, लेकिन उस ओवरऑल ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, धान का। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भाई धान का जो है वो ये, इसीलिए धान को वो अलग से बता रहा है क्या सर, धान जो है वो हमने कैसे इसका एरिया जो है वो बढ़ा लिया। फिर सीधे धान से हम चले जाते हैं दलहन के ऊपर। अब दलहन में आपको जो रकबा है या आच्छादित क्षेत्र है वो ज्यादा याद नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो क्या लगाया जाता है, चना, ठीक है। चना क्यों लगाया जाता है, क्या मैंने बताया था कि मानसून हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जब मानसून लौटता है या ये जो विंटर्स के सीजन्स होते हैं, इस दौरान मावट, जिसको आप ओस भी बोल सकते हो सरल भाषा में, वो गिरती है और चना केवल उस पर निर्भर है, इसलिए चने की फसल विदिशा और उसके आसपास के जिलों में आप जाइए चना अच्छा खासा होता है। तो रकबा भी आपको देखो, ध्यान से देखो कि अगर हम टोटल दलहन फसलों का रकबा देखें 5,225 हेक्टेयर, तो उसमें एक तरफा आधा रकबा अकेले कौन ले गया, चना, चना, ठीक है, अकेले जो है वो चना ले गया। और चना कौन सी फसल है, रबी की खरीफ, रबी, संकोच मत किया करो, अभी तो बाजार में बिक रहा है, अभी तक तो आ ही रहा था 4-5 दिन पहले। तो चने का रकबा सबसे ज्यादा है और सबसे कम रकबा है मटर का। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम याद रखिएगा, स्पेशली दो तो याद रखिएगा कि चना और उड़द, ये दो जो है वो फसलें सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोई जाती है। अब प्रोडक्शन देख लेते हैं, अब चना सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोया जा रहा है तो प्रोडक्शन भी चने का ही क्या हो रहा होगा, सबसे ज्यादा हो रहा होगा। तो ओवरऑल अगर हम पल्सेस क्रॉप्स की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, तो मध्य प्रदेश की जो पल्सेस क्रॉप्स है उसमें 35,090 मीट्रिक टन जो है वो उत्पादन अकेले किसका हो रहा है, चना का। ये यहां पर फिर दूसरे नंबर पर जो है वो अच्छी खासी स्थिति में आप कौन पहुंच रहे हैं, तो अभी आपको मालूम होगा
जिनको ना मालूम हो या कृषक परिवार से ना हो, जैसे ही अभी ये गेहूं चना कटेगा ना, इसके बाद किसान जिनके पास सिंचाई के साधन ठीक ठाक है वो क्या फसल बो देंगे? मूंग, है ना। मूंग एक ऐसी फसल हो गई किसानों के लिए जो कृषि की लागत को मैनेज करने में बड़ा रोल प्ले कर रही है। जैसे क्या होता है, दो फसलों से लागत मैनेज नहीं होती थी, तो मूंग से वो लागत को मैनेज कर लेते हैं। ये एक एक्स्ट्रा फसल है जो आपको किसान को जो है वो सरप्लस में ला देती है, यानी फायदे में पहुंचा देती है। तो हमें दिख रहा है कि अभी 2020-21 में चना जो है वो 3590 था, सबसे ज्यादा उत्पादन किया 1000 मेट्रिक टन में। फिर उसके बाद हम कहां चले गए, मूंग का उत्पादन हमने सबसे ज्यादा किया। फिर मूंग के बाद जो है वो उत्पादन में हम कहां चले गए, मसूर, और फिर जो है वो हम कहां चले गए, उड़द। तो इस तरह से आपको सब तो याद नहीं रखना, लेकिन कम से कम दो आंकड़े जरूर याद रखना है, एक चना याद रखना है और एक जो है वो जो है आपको जो है मूंग याद रखना। प्लस 2017-18 के आंकड़े में देखेंगे तो चने का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया, मूंग ने। दिख रहा है ध्यान से देखो, आ रहा है? यस सर। किसी किसी साल क्या होता है, जब दूसरी फसलें अच्छी नहीं होती तो किसान मूंग जबरदस्त लगाते। जैसे सोचो इस साल, मान के चलो ऐसे समझो, इस साल किसान को खूब गेहूं का उत्पादन होगा, खूब चने का उत्पादन होगा, सोचेगा अरे ठीक है यार, अपन जमीन को खाली पड़ी रहने सुधारने देते हैं, उत्पादन तो बंपर हुआ, वो मूंग ही नहीं लगाएगा। और फसल बिगड़ गई तो वो वेट करेगा किसका, अपने एवरेज को मिलाने के लिए, मूंग का, है ना। तो 17-18 में मूंग सबसे ज्यादा हुई थी, अभी जो है वो चना सबसे ज्यादा हुआ। तो ओवरऑल तो चना ही पूछा जाएगा, बाकी कुछ जो है वो पूछा नहीं जाएगा। तो ये बाकी तो अपन छोड़ दें, सीधे नीचे आ जाए। फिर तिलहन फसलों में तो दो ही हैं, रकबे के हिसाब से भी सोयाबीन। तो पहले भी आपको मालूम था कि मध्य प्रदेश को, ठीक है, सोया स्टेट भी कहा जाता है, मालूम होगा ना, इंदौर उज्जैन के आसपास सोयाबीन का उत्पादन क्या होता है, बहुत होता है। लेकिन सोयाबीन क्या है, बहुत ही ज्यादा कैसी फसल है, संवेदी फसल है, इतनी सेंसिटिव है कि आप अभी एक कटोरी सोयाबीन अपने कमरे में रख दीजिए और थोड़ा सा आसपास नमी रख में रख दीजिए, वो दो दिन में खुद ही उग गया है इतनी। इसलिए किसान धीरे धीरे अब सोयाबीन से नाता तोड़ रहे हैं, और सोयाबीन के स्थान पर वो वही जो सोयाबीन बोता था वो किसान अब काय में कन्वर्ट हो गया है, धान, ठीक है, धान, वही किसान जो है वो धान बोने लगा। सोयाबीन भी मालूम होगा ना कि कब बोया जाता है, खरीफ की फसल है, मानसून के समय लगाई जाती है। तो अब जो किसान जो है वो सोयाबीन नहीं लगा रहा, वो क्या लगाने लगा, धान लगाने लगा, ठीक है। तो सोयाबीन भी याद रखिए, ये फसलें पता होना चाहिए बेटा कि कौन सी रबी की है, कौन सी खरीफ की है। तो दो ही फसलें हैं, एक है राई सरसों, तो भिंड मोरेना तो आपको मालूम है राई सरसों के लिए प्रसिद्ध है पूरा यहाँ, yes, और सोयाबीन। तो रकबा अगर सोयाबीन का सबसे ज्यादा है तो उत्पादन भी सोयाबीन का ही क्या हो रहा होगा, सबसे ज्यादा हो रहा। तो आप ये कहोगे कि तिलहन फसलों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद जो है वो राई और सरसों का उत्पादन होता है। इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है। फिर सीधे आ जाते हैं कमर्शियल, बस ये फसल तक का लेंगे पार्ट वन में, फिर पार्ट टू में इसके बाद का अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा एजुकेशन और अदर सेक्टर्स की बात करेंगे, फसल वाला पूरा लेंगे। अब कमर्शियल क्रॉप से, कमर्शियल मतलब वाणिज्य फसल, यहां पर जायद ना समझे, जरूरी नहीं कि जायद फसलों को ही कमर्शियल क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप अलग होती है। अब मध्य प्रदेश में ये प्रश्न, पिछली बार ये भी क्वेश्चन आया था, याद करो इनमें से कौन सी कमर्शियल क्रॉप नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न। यस सर। तो हमें ये समझ पड़ा कि हमारे पास जो मेन जो कमर्शियल क्रॉप है वो दो, एक है कपास और एक है गन्ना। अब मध्य प्रदेश का मालवा काली मिट्टी का गढ़ ही है, तो वहां तो कपास खूब लगा ही रहे हैं। और ये जो होशंगाबाद से आप आगे बढ़ते हो ना, नरसिंहपुर से कटनी की ओर जब जाते हो, ये पूरे बेल्ट में लगाया जाता है गन्ना। कोई बच्चा उधर का होगा तो उधर गुड़ बहुत बनता है क्या, कोई नहीं है, ठीक है, उस बेल्ट में बहुत गुड़ वगैरह बनता है। कभी आप जाइए पिपरिया, नरसिंहपुर, बनखेड़ी, इस बेल्ट से आगे बढ़िए। तो कपास का जो क्षेत्र है वो है 588,000 हेक्टेयर, गन्ने का है 95। अब सीधी सी बात है, कपास का अगर क्षेत्र इतना है तो कपास का उत्पादन भी सबसे ज्यादा क्या होगा, होगा। तो कपास का उत्पादन यहाँ लिखा हुआ है कि 877 टन। हालांकि मैं आपकी एक जानकारी थोड़ी सी अपडेट कर दूं कि कपास का जो उत्पादन होता है वो टन में नहीं होता, मतलब अब ये आंकड़े दे रहे हैं तो अब तो कुछ नहीं करा जा सकता। कपास जो है वो गांठों में, मालूम होगा ना,
ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए जिनको अपन बॉल्स भी बोलते हैं, वो गांठों के रूप में जो है वो उसके प्रोडक्शन निकाला जाता है, कितने लाख गांठें हुई उससे जो है वो निकालते हैं उसका, कपास जूट आदि इनका जो है उत्पादन ओवरऑल। तो हमें समझ पड़ा कि भाई मध्य प्रदेश में कपास और गन्ना दो मेन कमर्शियल क्रॉप्स हैं, अच्छी खासी लगाई जा रही हैं, ठीक है, इनमें भविष्य में संभावनाएं भी अच्छी हैं, इसीलिए इनसे संबंधित ही योजनाएं सरकार ज्यादा चला रही है। जैसे बीटी कॉटन विवाद में भी रहा, बीटी कॉटन पर जो है वो उसका रकबा भी बीटी कॉटन का क्या है बढ़ रहा है, ये आएगा नहीं, ठीक है। ये यहाँ फिर सीधे जो है वो नीचे चले जाते हैं, ये फर्टिलाइजर तो अभी मैंने आपको बता ही दिया थे, लेकिन आपको मालूम होगा कि ऐसे भी थोड़ा सबको ज्ञान ही होगा तो ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा जैसा लिखा होगा, लेकिन एनपीके का एक आइडियल जो है रेशो 4:2 क्या होता है, 1:1। तो कंसेप्ट साफ है कि सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद फॉस्फोरस, फिर उसके बाद पोटाश। ये तीन तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी केमिस्ट्री क्लास पढ़ाएंगे तो आपको फर्टिलाइजर समझाएंगे कि कैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा किसान इस्तेमाल करता है यूरिया, कोई पूछे यूरिया में लगभग 46% से 55% तक अलग अलग यूरिया में क्या होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूरिया ही नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, ये जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके आगे, ये छोड़ दें निंदाई विंदाई के कार्यक्रम, ये भी हमारे कोई काम के नहीं है, ये भी हमारे जो है वो कोई काम का नहीं है, फसल बीमा कितनी दी ये भी हमारे कोई काम का नहीं है, प्रमाणिक बीज ये भी कोई काम के नहीं है, बलराम तालों का निर्माण कितना हुआ ये भी काम का नहीं है, ये योजनाओं के आंकड़े भी हमारे कोई काम के नहीं है, मतलब ये नहीं आएंगे इसमें यहाँ पर, ठीक है। बस ये याद रखना है कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसको आप आपस में जो है वो जोड़ लोगे तो शब्द क्या बन जाएगा, आत्मा। ये शायद मैंने शायद अभी आपको बजट पढ़ाया होगा तो आत्मा जो है वो स्कीम जो है वो बताई होगी कि नहीं बताई, आत्मा योजना नहीं बताया सर, ठीक है। तो ये जो है वो इसको आप लिख लीजिएगा, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को ही आत्मा योजना के नाम से जो है वो जाना जाएगा। कोई पूछेगा क्या है, तो ये आत्मा, इसको आप पढ़ोगे कि आत्मा योजना, ठीक है। और ये अभी से नहीं चल रही, ये 2005-06 से जो है वो भारत सरकार जो है वो इस योजना को जो है वो चला रही, तो आप सोचोगे बिल्कुल नई योजना हो, तो बिल्कुल नई योजना तो नहीं, लेकिन ये अच्छी योजना है मान सकते हैं। तो कभी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां भी ये कहीं ना कहीं जो है वो लिखा हुआ ये पूरी योजना मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी तो नहीं आएगा, इसलिए अभी अपन इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे कि क्या योजना है, अपन सीधे जो है वो नीचे जा रहे हैं, उत्पादन को अपन सबसे पहले ले रहे हैं ना, इतना सारा तो अपन सर्वे पढ़ नहीं सकते, उत्पादन। अब उत्पादन में दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, बस ये 5-7 मिनट का बचा हुआ इसको खत्म कर लीजिए तो आपका कृषि वाला जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आ रहे हैं दूसरे नंबर पे, हमने फसल तो पैदा कर दी, उत्पादन भी करा लिया, वहां गए मसालों के ऊपर, है ना। तो मसाले तो आपको मालूम है भारत की पहचान रहे, प्राचीन काल से ही मसाले आकर्षित करते रहे विदेशियों को यहाँ, इसीलिए शायद यवनों ने काली मिर्च को क्या बोल दिया, यवन प्रिया, मतलब तब से पुर्तगाली भी यहाँ मसालों के लिए ही आए, अंग्रेज भी यहाँ मसालों के लिए आए, हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने हमें मसाला बना डाला अंग्रेज, बट जो है मसालों की बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें आच्छादित क्षेत्र के हिसाब से, तो अभी हम केवल यहाँ पर, अब यहाँ आंकड़े आपको 2016 वाले में मिल गए, इसलिए अब 2016 के आंकड़े भी इसमें जो है याद, टोटल अगर ध्यान से देखें तो कुल जो है वो अगर कहा जाए मसाले लगाने वाली जगह, तो सबसे ज्यादा मसाले आप जो है वो क्या लगा रहे हो, कौन सी फसल, धनिया, धनिया सबसे ज्यादा, धनिया समझते हो, अंग्रेजी में धनिया का नाम पता है कि नहीं पता है, कोरिएंडर, हाँ नहीं पता चले तुम धनिया को कुछ और समझ लो, ठीक है। तो धनिया, धनिया एक कैरेक्टर भी था एक बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास में, किसी को याद आ गया, गोदान, गोदान है ना, तो गोबर धनिया, ठीक है, ये गोदान के ऐसे कैरेक्टर थे, अमर कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर तो मतलब आपको बहुत ही कम मिलेगा गोबर किसी का नाम जो है वो, पर प्रेमचंद ने तो खैर बहुत ही मार्मिक तरीके से गांव को समझाने की कोशिश करी, तो उसमें धनिया जो है वो मेन कैरेक्टर था गोदान का,
कभी पिक्चर देखिए, राज कुमार ने एक्ट किया है गोदान, बहुत ही अच्छी पिक्चर। तो धनिया सबसे ज्यादा लग रहा है, धनिया के बाद हम क्या लगा रहे हैं, लहसुन, लहसुन के बाद फिर हम क्या लगा रहे हैं, मिर्च, और फिर क्या लगा रहे हैं। इसको आप ऐसे आसानी से समझ सकते हो कि रोजमर्रा की जो खाने का आपका जो सब्जी बनती है, मम्मी जो बनाती है, उसमें सबसे ज्यादा ऊपर क्या डालती है, वो धनिया, ठीक है। धनिया के बाद जो है वो लहसुन अदरक का क्या डालता है, उसमें पेस्ट डालता है। लहसुन अदरक के पेस्ट में भी जो है वो लहसुन और अदरक में लहसुन क्या होता है, ज्यादा, और फिर आती है मिर्ची। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा हम धनिया इस्तेमाल करते हैं, धनिया और ठीक है मिर्च। यहाँ मिर्च का मतलब हरी मिर्च नहीं है, सूखी लाल मिर्च, क्योंकि वो मसाले में कन्वर्ट हो गई। तो धनिया, फिर उसके बाद हम चले गए लाल मिर्च, रेड चिली, फिर जो है वो सॉरी धनिया के बाद हम चले गए लहसुन, फिर हम चले गए रेड चिली, फिर हम चले गए उसमें अदरक के। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि फूड प्रोसेसिंग में अगर हमें काम करना है कुछ बड़ा, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट की यूनिट्स के ऊपर, धनिया पाउडर की यूनिट्स के ऊपर हमको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। तो ये तो क्षेत्र आच्छादित था। अगर हम उत्पादन की बात करें तो ओवरऑल उत्पादन में बस यही एक कहानी आपके एग्जाम में गड़बड़ होगी कि धनिया से ज्यादा उत्पादन किसका हो रहा है, लहसुन का। तो लाख मैट्रिक टन में, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मसाले में कौन सा मसाला उत्पादित होता है, लहसुन। तो कभी आप इधर जाएंगे ना, ये खंडवा के आसपास की पूरी बेल्ट आप घूमेंगे, तो इसमें जो है वो लहसुन का भी जो है वो आप वहां लहसुन प्याज ये बोया जाता है। और इसमें एक और चीज याद रखिएगा, कम से कम जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप जो है वो मैं समझता हूँ कि याद कर लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो आजकल एक क्वेश्चन तो आपसे जो है वो पूछेगा ही पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में धनिया का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, किस जिले में लहसुन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो कहाँ से आंसर करोगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से ही तो आंसर कर पाओगे, ऐसे तो जो है वो कर नहीं दोगे। इसलिए आज का होमवर्क हो गया, कहीं भी लिखा मिल जाए, आप सोचोगे कोई स्पेसिफिक जगह जो है वो आपको जो है वो लिखा मिले तो उसकी जरूरत नहीं है, किसी भी जो है वो वेबसाइट पे चले जाओ भारत सरकार की, लोकल किसी गाइड को उठा लो, उसमें भी जो है वो आपको ये सब चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे जब अपन जिंजर की बात करते हैं तो बड़वानी को जो है वो सरकार ने जिंजर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर रखा है, तो वो अपने को पता होता है कि हाँ यार वहां पर जो है वो जिंजर सबसे ज्यादा जो है लगाया जाता है। ओवरऑल फिर सब्जी पे आ जाते हैं जस्ट इसके तुरंत बाद। अब सब्जी में सबसे ज्यादा एरिया आपको देखो ध्यान से, ओवरऑल एरिया में सबसे ज्यादा हम क्या लगा रहे हैं, आलू, ठीक है। इस पूरे आंकड़े में देखो ओवरऑल में हम क्या लगा रहे हैं सबसे ज्यादा, आलू, यानी टोटल। तो आलू, ऐसे भी बहुत सारे जिले जो है वो पोटेटो डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, जिसमें एक जिला तो मालूम ही होगा जो काफी मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री से भी संबंधित है, उसको भी जो है वो आलू जिला घोषित कर रखा है, सीहोर। अरे सीहोर मध्य प्रदेश में, मतलब ऐसा कि मुख्यमंत्री मतलब शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, उसके अलावा कोई और मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। छिंदवाड़ा, यहाँ पर तो छिंदवाड़ा जो जिला है उसको अपन जो है वो पोटेटो डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी साग सब्जियां लग रही, सबसे ज्यादा जगह पर हम लगा रहे हैं आलू यहाँ पर, लेकिन अगर 2018-19 या अग्रिम अनुमानों के हिसाब से देखें तो आलू से ज्यादा एरिया पे क्या लगा रहे हैं हम, प्याज। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्याज, और 2000, क्योंकि देखो 16-17 के आंकड़े ज्यादा पूछेगा क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, या 18-19 के अनुमान नहीं पूछेगा, इसलिए आप ये आंकड़े जरूर याद रखिए कि मध्य प्रदेश में, और ओवरऑल आपके दिमाग में तो ये समझ पड़ ही गया होगा कि सबसे ज्यादा हम लोग आलू और प्याज ही लगा रहे हैं। तो अगर 2016-17 के आंकड़े देखें तो आलू का रकबा सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आलू के बाद हम कहां पहुंच गए, प्याज पर पहुंच गए, फिर प्याज के जस्ट तीसरे नंबर पर हम कहां पहुंच गए, टमाटर, और टमाटर के बाद हम कहां पहुंच गए, हरी मटर। तो हम आलू प्याज की सब्जी खाते हैं और टमाटर मटर की सब्जी खाते हैं, इससे आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। और 18-19 के आंकड़ों में थोड़ा सा बस पलटेंगे हम लोग, प्याज का रकबा बढ़ा देंगे, आलू का उससे थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है, मटर का बढ़ा देंगे और टमाटर का, जस्ट पलट लेना इनको, क्या करना है, जस्ट रकबे को पलटना है और कुछ नहीं करना,
ठीक है, यहाँ पर आलू की जगह क्या आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, यहाँ टमाटर की जगह क्या आ जाएगा, हरी मटर आ जाएगी। उत्पादन में देखें तो उत्पादन में अगर हम 16-17 को ध्यान से देख पा रहे और 18-19 को ध्यान से देख पा रहे हो, तो 16-17 में सबसे ज्यादा हमने क्या पैदा किया, आलू, फिर उसके बाद क्या पैदा किया हमने, प्याज, फिर उसके बाद हमने क्या किया, टमाटर। 18-19 में हमने सबसे ज्यादा क्या पैदा किया, प्याज, फिर आलू, यानी रकबा जैसा पलटा तो वैसे ही हो गया। इससे सिद्ध है कि मध्य प्रदेश में आप टोमेटो केचप की यूनिट लगा सकते हो, हरी मटर को प्रोसेसिंग प्रक्रिया से जो है वो स्टोर करने की यूनिट लगा सकते हो, आलू और प्याज की, प्याज की प्यूरी की भी यूनिट लगा सकते हो, है ना, उसकी भी प्यूरी अब बिकने लगी बाजार। और आलू के तो क्या खाते हो सब लोग, चिप्स। इनकी अगर हम यूनिट्स लगाएं फूड प्रोसेसिंग में तो किसानों की आय को एकदम जल्दी से दुगना कर सकते, एक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि औने पौने दाम पर किसानों को बेचना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था ना, रतलाम मंडी में प्याज फेंक के चले गए थे किसान, भाव ही नहीं मिल रहा है, 1 रुपए 2 रुपए किलो 1 रुपए भाव है, तो क्यों बेचारा बेचेगा वो, तो ठीक है घाटे में। तो ये अपने को याद रखना है यहाँ पर साग सब्जी में। और आखिरी हिस्सा बस फसल का जो है वो खत्म, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर आखिरी है कि जो हमारे फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स में क्षेत्र जो है वो उसको देखने की जरूरत नहीं, टोटल सीधे उत्पादन पे आए, है ना, क्षेत्रों की भूमिका ज्यादा है नहीं, ये आप स्क्रीन रोक कर चाहे तो देख लीजिएगा, पर आएगा नहीं क्षेत्रों का। टोटल ओवरऑल जो प्रोडक्शन है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन काय में हो रहा है हमारा, मौसमी और संतरे में दिख रहा है, और दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, केला। तो जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत केला अपन ने किसको दे दिया है, बुरहानपुर, तो ये तो सब बुरहानपुर से लगा हुआ जिला है महाराष्ट्र का, एक जो पूरे हिंदुस्तान में अपने केले के लिए प्रसिद्ध है, कौन बताएगा नाम, भुसावल, भुसावल ना, भुसावल का केला तो सबको मालूम कितना ज्यादा फेमस। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो फलों का उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा, अच्छा कंफ्यूजन कहाँ, यही होता है, आम लगाया जाता बच्चा क्योंकि लगता आम ही आम तो भैया बगीचे में है ना, लेकिन जो है वो मतलब आम के पेड़ को तो बढ़ने में, लेकिन आजकल तो ऐसी प्रजातियां आ गई कि आप 3-4 साल में जो है वो संतरा दे सकते। तो संतरे का उत्पादन आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा हो रहा है, 22.84 लाख मेट्रिक टन, फिर केले का उत्पादन हो रहा है, फिर आम का हो रहा है, फिर पपीते का। तो कोई पूछे मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल जो है वो फल कौन से हैं, तो ये चार फल जो है वो, और भी लगते हैं लेकिन ये चार फल जो है मध्य प्रदेश में लगाए जाते हैं। और फल भी हैं, जैसे अगर कहा जाए कि अलीराजपुर चले जाओ, वहां का चीताफल जबरदस्त फेमस है, अलीराजपुर का चीताफल खाइए, क्या बोलते हैं इसको, कस्टर्ड एप्पल, तो ये मालूम होगा ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कस्टर्ड एप्पल अलीराजपुर। चलो अच्छा ये भी बता दो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मौसमी और ये संतरा कहाँ किस जिले को दे दिया है, आगर मालवा। ये बात थोड़ी सी लगती है कि यार पढ़ रहे हो तुम लोग जो है। और जो है वो आम किस जिले को दे दिया, कोई बात नहीं, आम बैतूल जिले के पास भी है, आम अनूपपुर जिले के पास भी है, ठीक है, बाकी तुम लिस्ट देखना एक बार, ये होमवर्क है सबका, ये देखना। फिर आते हैं हम पुष्पों के ऊपर, तो पुष्प जो है वो अगर कहा जाए, रकवा नहीं देखना, उत्पादन देखना है, केवल उत्पादन आएगा नहीं कभी, एक पुष्प लायक जो है वो प्रश्न जो है वो नहीं पूछेगा। तो पुष्पों में अगर कहा जाए औषधि, ये यहाँ पर औषधि और पुष्प की हम बात करें, तो ये ध्यान रखना कि जो पुष्प है उसके उत्पादन में सबसे ज्यादा यहाँ इसी को देख लें, अगर अपन बात करें अंतिम या 2019-20 का देख लें तो ज्यादा अच्छा, तो 2020-21-19-20 के हिसाब से आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा हमारा उत्पादन काय में हो रहा है, गेंदा, ठीक है, सबसे ज्यादा गेंदा, गेंदा के बाद क्या हो रहा है, गुलाब। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर किसी दुकान पर जाओगे तो सबसे सस्ती माला काय की मिलेगी, गेंदा, और उससे ज्यादा महंगी काय की मिलेगी, गुलाब, है ना, बाकी फिर जो है वो सेवंती, रजनीगंधा यहाँ पर, और गैलेडुल्स, गैलेडुल्स का फूल देखा कि नहीं देखा, चलो अभी स्क्रीन रुकेगी तो 2 मिनट दिखा देंगे आपको। ये चार फूल याद रखना है, इनका उत्पादन कितना टन हो रहा है, ये काम करना है। औषधि फसलों में ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की चार औषधि फसलें, अश्वगंधा, सफेद मूसली, ईसबगोल और कोलियस,
ये चार फसलें हैं जो सबसे ज्यादा अपने को याद रखना। पारुल कैमरा चालू हो गया बेटा तुम्हारा, यहाँ पर चार फसल, अश्वगंधा, सफेद मूसली, ईसबगोल और कोलियस, यहाँ पर ये चार फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा। अश्वगंधा मालूम होगा क्या बोलते हैं, जाते जाते जल्दी से बताओ अश्वगंधा को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? विथानिया सोमनीफेरा। अरे ये तो साइंटिफिक नाम हो गया मेरे भाई, ये थोड़ी एग्जाम वाला पूछेगा अगर कहा जाए। ये शक्तिवर्धक होता है सर। ठीक है, विथानिया सोमनीफेरा तो जो है उसका वैज्ञानिक नाम होगा, इसको बोलते हैं विंटर चेरी। दुनिया भर में ये किस नाम से बिकता है? विंटर चेरी के नाम से बिकती है अश्वगंधा, ये ध्यान रखिएगा। आपने जो बोला बिल्कुल सही है, चेरी देखिए, चेरी वो पान खाते एक छोटी सी चेरी लगी होती है उसके ऊपर, वैसी छोटी चेरी होती है। और चूंकि जैसे किसी घोड़े के पास जाते हो जैसी गंध आती है ना, वैसे इसके वो चेरी से जो है वो गंध आती है। और ये एक मतलब कहा जाए कि एनर्जी वर्धक जो है वो औषधि है, कोविड के दौरान भी इसका प्रयोग किया गया। सफेद मूसली जड़ से मिलती है, इसको भी एक्चुअली ये क्या होता है मतलब कहा जाए ना शारीरिक क्षमता, सेक्सुअल पावर आदि जो बढ़ाने के लिए उपयोग में आने वाली औषधियां हैं आयुर्वेद। और ईसबगोल देखा है किसी ने? भूसे की तरह होता है। हाँ, भूसे की तरह होता है। तो ईसबगोल तो ओवरऑल ध्यान से देखो, वैसे तो ईसबगोल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ईसबगोल के लिए गुजरात, है ना, भावनगर के आसपास का क्षेत्र ईसबगोल के लिए फेमस। तो हमें और कोलियस का मैं आपको अभी पेड़ दिखा दूंगा, उसकी पत्तियां इस्तेमाल होती हैं औषधि में। ठीक है, यहाँ पर देखी होगी सबने, बाहर से हरी सी कलर की होती है, अंदर से वो लाल सी कलर की पत्ती होती है, दिखा भी दूंगा अभी। तो अश्वगंधा, सफेद मूसली, ईसबगोल और कोलियस, ये चार औषधियां हैं, बस इतना अपने को याद रखना। ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया, फिर पार्ट टू में हम जो है वो बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा, उद्योग आदि के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी कहानी जो है वो आज की जो है वो कंप्लीट हुई। ठीक है, करें खत्म। धन्यवाद।